से शादी का सूट के जैसे कहीं से बारिश ही होने लग गया। अभी केदारनाथ में हुआ था, अब उन्होंने सुने होंगे केदारनाथ में जैसे प्रलय आ गया, ऐसे ही पूरा के पूरा प्रलय आ गया। इसलिए प्रलय आ गया, सारे ब्रजवासी कृष्ण को पास मिल गए। बोले कृष्ण बोले तेरे बात तो सुन करके हमने इंद्र पूजा कल्प करवाया, देखो ये क्या हो रहा है। बोले चिंता क्यों कर रहे हो, हम सबके सब गिरिराज गोवर्धन की पूजा की ना, ये गिरिराज हमें अपना लाज बचाएगा, हमें शरण देगा। चलो सारे सामान को लेकर के श्री गिरिराज की तलने में जाओ। जैसे एक छोटा बच्चा एक छतरी को उठा ले, ऐसे ही कृष्ण बाम हाथ हम कभी कहते हैं ना, अरे ये हमारे लिए कौन सा बड़ी अंबा, हम तो अपना उल्टा हाथ से कर सकते हैं। बोले उल्टा हाथ नहीं, सबसे कनिष्ठ अंगुल में। बोले कनिष्ठ अंगुल में नहीं, मैं तो नख तो कर्म श्री गिरिराज गोवर्धन उठा सकता हूँ। कृष्ण गिरिराज गोवर्धन उठा लिए। बोले श्री गिरिराज बाबा की। बोले ब्रजवासी कोई चिंता मत करो, सारे सामान को लेकर के गिरिराज की तलेट में आ जाओ। और सारे ब्रजवासी उसको नीचे कीर्तन कर रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, हैं सबके सब आनंद ले रहे थे। मैया जसोदा कृष्ण का हाथ में दर्द नहीं हो जाए, लाला की हाथ को मालिश कर रहे थे, बार बार उनको मक्खन खिला रहे थे, भूख भी लग जाए। आपको बोले पांच मिनट हाथ ऊंचा करके रखो, तो पांच मिनट हाथ ऊंचा करके रख सकते पांच मिनट, अगर पांच मिनट रख लिया, अगर दस मिनट बोलती फिर तो अभी नहीं, अगर आधा घंटा बोलते रख सकते हो हाथ में आधा घंटा, लेकिन कृष्ण ने कितना दिन तक गिरिराज उठाया, सात दिन सात रात है पूरा गिरिराज को उन्होंने अंगुष्ट अंगुल को ऊपर उन्होंने रख लिया। इसलिए कहते हैं ना, कछु माथन को बल बढ़ो, कछु गोबर ने करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से बोले गिरिराज बाबा की। अभी जितने सखा लोग थे ना, अपना लठिया ला करके टिका दिए। बोले कन्हैया कब तक ये गिरिराज को तो उठाओगे, थोड़ा तो विश्राम ले, हाथ पीछे कर। बोले तुम लोगों से गिरिराज नहीं ठीक है। बोले क्या क्या, तू अकेला मैया का दूध भी नहीं पिया, हमने मैया का दूध नहीं पिए, हाथ पीछे कर, हम भी मैया के दूध पिए, देख लो हम कैसे गिरिराज उठा लेते। कृष्ण जब हाथ को नीचे की ना, वो गिरिराज धीरे 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 नीचे आने लग गया। जब डंडा लगा कर बैठे ना, सबके सब टूटना शुरू हो है। बोले कन्हैया हमसे गिरिराज नहीं ठीक है, तू ही गिरिराज उठा ले। और कृष्ण ये गिरिराज क्यों उठाया है, इसका पीछे चार कारण बताया। कितना कारण बताया, मैं अभी बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा, जो नहीं बोल पाए ना सब बीच में गलत हो जाए। अभी ध्यान दे, मैं देखता हूँ कौन मेरे को कल बता सकता है, ठीक है। अभी मैं हर साल में कथा सुनाता हूँ, हाँ हर साल कथा सुनाता हूँ, बता सकते हो कृष्ण जो गिरिराज उठाया इसका एक कारण कौन बोल सकता है, उसका एक कारण कोई बता दे। महाराज जी कल तो कोई आएगा नहीं, आज ही मुर्गा बना लेगा। नहीं कल कल आएगा, कल मैं बुलाऊंगा, कल मैं रहूंगा कथा करूंगा, इसलिए कल सबके सब आ। अभी हो सकता है दो चार दिन में रुकूंगा, ये लोग तो चले जाएंगे, मैं रुकूंगा। हाँ बता, पहले एक कारण कोई बताओ। हाँ सभी गोपियों को प्रेम का अनुपालन कराने के लिए
अरे सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। और कुछ कहानी बताओ ना, मैं इतना साल से कथा कर रहा हूँ, तुम लोग भी कथा नहीं सुन क्या? बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के और कौन कैसे साड़ी पहन के जा रहा है उसको देखती रहती है और प्रसाद बांट रहे चली जाती है। चलते हैं और नंद बाबा का खड़ाव को हाथ
हाथों में नहीं, सर पर रख करके नाचते 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 जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते जिसके पादुका को मैं स्वयं सर पर धारण करता हूँ, अब इंद्र क्या सोच रहा है, स्वर्ग का राजा मैं हूँ, अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा तो बच जाएगा। तो अभी तरह बजा सिखाता हूँ, तू कैसे बारिश करने वाले रहने वाले और तेरी कृपा को ऊपर भी निर्भर कैसे करते हैं। इसलिए इंद्र का जो मान है, इंद्र का जो अभिमान को कृष्ण नष्ट करना चाह रहे, कहिए दूसरी कारण याद रहेगा, कहते दूसरी माता जी को बैठा दो, इसका तीसरा कारण क्या है। अभी कृष्ण सोच रहे मेरे तरह को देखो उधर क्या देख रहे, कोई आ गया पता सुनना सीधा अपना आंख को एकदम फोड़ दो। इसलिए इसका तीसरा कारण बताए कृष्ण क्यों ये गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, कहते ये गोपियां कौन है, बोले राधा रानी की काय भी है, सखा कौन है, बलदेव प्रभु कृष्ण अपना शरीर से प्रकाशित किया, ये ब्रजवासी भगवान की विजय है। कभी कभी कृष्ण चाहते थे ये ब्रजवासियों को साथ में एक साथ में सात दिन तक एक जगह पर रह करिए, इनको साथ में उत्सव मना, इनको साथ में उत्सव मनाना चाहता हूँ। और कभी कभी ये गोपियों को दर्शन करना बड़ा दुर्लभ होता है, इनको साथ में मिलना बड़ा कठिन होता है, और कभी कभी श्री राधा रानी को तो मिलना बहुत बहुत ही कठिन होता है। इसलिए ऐसे हम क्या काम करें जो कि श्री राधा रानी से सात दिन तक, ये गोपियों से सात दिन तक अपना सामने इनको हम दर्शन कर पाए, इनको हम दर्शन करें, कैसे क्या हम काम करें। इसलिए कृष्ण ने देखा जब इंद्र बारिश बरसाएगा, जब मैं गिरिराज को उठाऊंगा, सारे ब्रजवासियों को क्या करना पड़ेगा, गिरिराज के नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि बारिश होती होगी। पर जिन गोपी राधा रानी से दर्शन करना दुर्लभ है ना, वो सामने आ जाएगी, फिर सात दिन तक इनको साथ में लीला करते रहो, दर्शन करते रहो, हैं दर्शन करते रहो। इसलिए जब राधा रानी सामने आई ना, जब कृष्ण गिरिराज धारण किया था, राधा रानी सामने आई, उधर जब राधा रानी सामने आई, राधा रानी को दर्शन करके कृष्ण जो गिरिराज उठाया, कृष्ण जो गिरिराज उठाए थे, इतने में कृष्ण तो सभी कांपने लग गया, हैं राधा रानी देखने में इतने सुंदरी, राधा की प्रेम की इतने महिमा है। जब राधा रानी कृष्ण को एक तरह से चित्रवर से दर्शन करती है, कृष्ण की मोरू मगन गिर जाती है, बंसुरी गिर जाती है, कृष्ण भी स्वयं बेहोश होकर गिर जाते हैं। अभी तो कृष्ण गिरिराज उठाया था, राधा रानी सामने आ गई, अभी राधा रानी को दर्शन करते हुए कृष्ण तो डगमगा रहे। इतने में जो गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन कौन गए, गिरिराज कौन परिक्रमा लगा है, गिरिराज दिखाओ, गिरिराज कितने बड़ी है, हैं जब कृष्ण डगमगाने लगे, अभी गिरिराज तो डगमगाने लगे, हैं इतने में सखा लोग मधु मंगल कर रहे कटिया ठीक से बैठा रहा, तो राधा रानी को देख कर तू स्वयं डगमगा रहे हो, हैं ठीक से कर रहे हो, ठीक से ये गिरिराज गोवर्धन को एकदम अच्छे तरह से उठा करके रखो, फिर कृष्ण ठीक से करेंगे, हैं। इसलिए कहते ये कहते ये तीसरा कारण है कृष्ण गिरिराज गोवर्धन ने क्यों धारण किया। उसका जो चौथा कारण है गिरिराज क्यों धारण किया, बोले कृष्ण चाह रहे अभी मैं रासलीला करना चाहता हूँ, भगवान की सबसे जो श्रेष्ठ लीला श्री रास लीला है, लेकिन अकेले तो वो रास कर ही नहीं सकते जब तक गोपियां नहीं हो, जब तक राधा रानी नहीं हो। इसलिए कृष्ण ने देखा, जैसे उदाहरण दिया, जैसे कि हीरो जब किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहता है क्या करता है, वो हीरोइन को सामने कुछ लोगों का इकट्ठा करेगा और उनको साथ में खूब युद्ध करेगा, मारपीट करेगा, मारपीट करके सबका हरा देगा। वो हीरोइन देखेगी बाबाई बुरा पहलवान है, और वो अपने आप उसको करने वो आकृष्ट हो जाते हैं। अभी ब्रज का हीरो कौन है, ब्रज का हीरो कौन है, और एक ही हीरो है और दूसरे हीरो कौन है, पहले ब्रज की हीरोइन कौन है,
राधा जी अकेली और भी बहुत सारी गोपियां ललिता विसर्गा। अभी कृष्ण ने देखा इनके बगैर का रास असंभव है, अब इनको मैं आकर्षण कैसे करूं, फिर इनको सामने मेरे को कुछ बहादुर दिखाना पड़ेगा। उन्होंने दो बहादुर दिखाया, पहला बहादुर को दिखाया बोले बड़े बड़े नाचने वालों को देखे होंगे, कोई रस्सी के ऊपर नाचता है, कोई गिलासिया पर नाचता है, कोई तलवार के ऊपर नाचता है, कोई सर को ऊपर कलसी लेकर के नाचते हैं। बोले तुमने बड़े बड़े नृत्यकार को तो देखे होंगे लेकिन तुमने कभी देखे सांप के सर के ऊपर भी कोई नाचने वाले कभी देखे हो? कभी नहीं देखे हो। इसलिए कृष्ण उन्होंने जब तालियों की सौ भय के ऊपर में प्रभु ने नृत्य की, जिसको देख देख करके ब्रज की गोपियां एकदम निहाल गई। बोले बाबा रे, हमने बड़े बड़े कलाकारों को देखा नाचने वालों को, लेकिन इस सौ फण के ऊपर में यहाँ से वहां वहां से वहां एक साथ में वो काटना चाह रहे थे कृष्ण चरण को, इतने तेजी से चला रहे थे, इतने तेजी से चला रहे थे, जिसको देख देकर गोपियां तो एकदम निहाल गई और कृष्ण के चरण में तन मन को कृष्ण चरण में दे दिया। ये एक हीरो का काम है। दूसरा काम क्या किया? बोले श्री गिरिराज गोवर्धन उठा लिया। गिरिराज गोवर्धन कितना बड़ी है? सात फरोज का कितना दिन तक धारण किया था? सात दिन तक। कृष्ण का उम्र कितना था? सात साल। जब उन्होंने इतने बड़े गिरिराज को उठाया बोले बाबा रे, हमने बड़े बड़े पहलवान देखे लेकिन ऐसे पहलवान हमने कभी देखो ही ना है। कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में और नख को ऊपर में श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लेना, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए ये जो गिरिराज उठाने का ये सबसे श्रेष्ठ कारण है, भगवान को रास करना चाहिए था, रासलीला करना चाह रहे थे और ब्रज गोपियों को आकर्षण करके तब रास करना, फिर इसको बाद में भगवान ने ये रास रचाया। बस रास रचया भगवान की जय, जय 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 जय। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे अदास रूप मार दिया, अदास रूप मतलब आध मतलब होता है पाप, इसलिए उन्होंने शिक्षा देते हैं अगर मेरे को हृदय में कोई बैठना चाहते हो ना तो ये पाप को तो पहले मार दो, पाप को मारोगे तो मेरे मेरे सर को छूते जा सकते, इसलिए फिर मेरे को अपना हृदय में तुम बैठा सकते हो। भगवान जब उसकी अघास रूप बंद किए और उसका ज्योति आ करके प्रवेश कर गया कृष्ण के अंदर में, इतने में देवता लोग तो कृष्ण की जयकार दी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। अभी ये जय ध्वनि भूर भुग मोह जन तप और सत्तर लोग तक पहुंचा, ब्रह्मा जी सत्तर लोगों तक में थे। बोले भैया ब्रज में मेरे जय जयकार क्यों हो रही है? श्री कृष्ण कन्हैया लाल की बोले ये जय जयकार क्यों हो रहा है? इतने में ब्रह्मा उतर करके आए देखने के लिए और उन्होंने देखा जब कृष्ण अघासुर को मारे, उनका उम्र कितना था जानते हो? 5 साल का था। उन्होंने देखा 5 साल का बालक कितना छोटा होगा और कितने बड़े दैत्य जिसको देवता लोग जिसकी नाम सुनकर के घबरा उठाया करते थे। ब्रह्मा जी घबरा आश्चर्य लगा और उन्होंने क्या देखा? उसका जो ज्योति फिर कृष्ण को शरीर में समा गया। बोले भैया ये बालक कौन है जिसकी शरीर में ये ब्रह्म ज्योति भी लीन हो गया? इतने में ब्रह्मा जी सोचा और थोड़ी आगे लीला देखो है। उन्होंने क्या देखा? कृष्ण जब वन भोजन कर रहे थे इतने में कृष्ण सबका झूठा खा रहे थे। घर से कोई बढ़िया मालपुआ लाए, बोले कन्हैया मेरे भैया तो बड़ी सुंदर मालपुआ भेजो है पहले खा लिया। बोले तू क्या अकेले खाओगे? मेरे को नहीं दोगे? कृष्ण छीन कर खाते थे। बोले कन्हैया मेरे भैया तो बड़ी सुंदर छाछ भेजी है, कल तू क्या अकेले खाओगे? मेरे को नहीं दोगे? अभी जो मटका थी नहीं वो मटके को लेकर छिना चपटी बन ले दिया। इतने में मधुमंगल ने जब छाछ को पी
कुछ छाच तो पी लिया और कुछ छाछ भी गिर गया। कृष्ण जीव लगकर चाट रहे थे, बोले भैया छाछ तो बड़े चोखो छाछ है। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसे भगवान जिनको झूठन फूटन का भी पता नहीं। इतने पर ब्रह्मा जी मोहित तो हो गए, बोले और आगे थोड़ा लीला देखिए। उन्होंने किया कि कृष्ण के बछड़े और सखा को चोरी कर लिया और उन्होंने गुफा में बंद कर दिया। जब बंद कर दिया इतने में कृष्ण ने किया कि अपना शरीर से जैसे सखा थे जैसे बछड़े थे जिनका रंग जैसे था जिनकी बोली जैसे थी उनका हाथ में लकुट जैसे थी एकदम कृष्ण ठीक वैसे ही कृष्ण प्रकट किया एकदम ठीक वैसे। हाँ तो भैया प्रश्न होता है, बोले भैया ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? बोले ब्रह्मा का मतलब होता है जो सब जानते हैं। कहते ब्रह्मा एक सर्वविद भवे, ब्रह्मा का तात्पर्य जो सब जानता है। बोले अगर ये सब जानता है फिर इन्होंने ये सब काम क्यों किया? कृष्ण के बछड़े सखा को कैसे चोरी कर लिया? दूसरी प्रश्न है, बोले भैया कृष्ण का बछड़ा सखा को चोरी कैसे किया? बोले क्यों? कहते कृष्ण का बछड़े जो सखा है ना ये लोग भी साधारण नहीं है। यहाँ पर कहते गरुड़ नारद आदि कहते वेद के जितने ऋचा है वेद के जितने मंत्र हैं ये सब के सब एक एक से बछड़े को बिधा देते। ये कोई कृष्ण साधारण बछड़े को नहीं चला लेते, वो वेद का मंत्र लो गरुड़ नारद ये सब बछड़े चला देंगे। बोले कृष्ण के सखा कौन है? बोले ये कोई साधारण नहीं, इनकी चरण की धूल में इतनी शक्ति है कितने ऐसे ब्रह्मा को सृष्टि कर सकते हैं। प्रश्न आता है फिर इनको कैसे फिर चोरी कर ली? यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मा कृष्ण के जो अच्छी सखा बछड़े थे ना उनको चोरी नहीं किया बल्कि इसको पहले चोरी किया। ये लोग गए कहाँ? बोले ये लोग उसी ब्रज रज में ही वहीं पर अंतर ध्यान हो गए, कृष्ण उनको छुपा दिए। फिर ब्रह्मा जी कृष्ण ने जो बछड़े सखा को चोरी किया उन्होंने माया से प्रकट किया, अपना माया से प्रकट की, वो माया से जो प्रकट किया था उनको ब्रह्मा जी चुराया, असली बछड़े सखा को उन्होंने नहीं चुराए। अभी भैया कृष्ण तो फिर उन्हें चुराया कैसे? इन्होंने इसको चुराया कैसे? देखो इसका रहस्य सुनो ठीक ठीक से, मैं कल फिर आपको पूछूंगा, कल पूछूंगा फिर क्या किस चीज को चुरा। अभी ब्रह्मा जी की इतना कैसे हिम्मत हो गया कि बछड़े सखा को चुरा कर? जो सब जानते हैं भगवान ब्रह्मा जी को बुद्धि को ना एकदम भ्रमित कर दिया था और असली बछड़े सखा को कोई पर छुपा दिए। अभी उन्होंने अभी कृष्ण के मन में कुछ इच्छा है, बोले क्या इच्छा है? बोले कृष्ण जब मैया की गोद में बैठे करके दूध पीते हैं ब्रज में जितने माताएं हैं इनकी मन में भी इच्छा होती है क्या कृष्ण कभी हमारा लाला बन करके आएगा, हम भी कभी कृष्ण को दूध पिला पाऊंगे। सब गोपियों की मन में इच्छा है। कृष्णा जब स्तन पान देखती है ब्रज में जितने गैया हैं, वो गैया तो साधारण नहीं, वो सब वेद का मंत्र है, ये वेद का मंत्र सब एक एक गैया रूप धारण की, इनकी मन में भी इच्छा होती है क्या कृष्ण कभी हमारा भी बछड़े बने, कृष्ण हमारे भी कभी दूध पिए। अब इनकी मन में ये भी इच्छा है, कृष्ण को ये इच्छा पूरी करना। कहते तीसरी इच्छा है, कहते ब्रज में जितने गोपियां है ना ये कोई साधारण लड़की नहीं है। कल सुन रहे थे ना जो वेद का मंत्र उन्हें तपस्या करके गोपी बन करके आए, दंडकारण्य में जितने ऋषि लोग गोपी बन करके आए, जनकपुरी के जितने कुमारी किशोरियां ये सब गोपी बन करके आई, और श्री दशरथ महाराज श्री रामचंद्र ने 11,000 साल तक उन्होंने राज्य तो की, हर साल में एक यज्ञ करते थे। वशिष्ठ जी ने कहा बकर पत्नी के तुम यज्ञ नहीं कर सकते हो, उन्होंने सीता जी को वनवास में दे दिया था, बोले और एक तो शादी कर ली तेरे पिता ने तो दिन तेरी शादी की। राम ने कहा देखो रघुकुल रुचि सदा चली आई प्राण जाए बरो बचन न जाए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए मर्यादा रूप में वो शिक्षा देते हैं पुरुष को जब एक तुमने शादी कर ली दूसरे स्त्रियों को पर बुरे नजर से कभी मत देखना, और स्त्रियों के लिए भी शिक्षा देती है जब तुमने एक शादी की
दूसरे पुरुष के तरह में बुरी नजर में मत देखा करो। इसलिए भगवान ने इस सब चीज को सिखा दिया। सीता भी औरतें के साथ ही कर सकती थी, राम भी और एक साथ ही कर सकते थे, बोले नहीं, उन्होंने ये मर्यादा को जगत को उन्होंने स्थापन किया दुनिया को शिक्षा देने के लिए, बोले और कोई उपाय तो निकालो, बोले और ये काम कर सकते हो, सोने की सीता बना करके अपना बाम पास में रख करके पूजा कर सकते हो, बोले हाँ ये तो कर सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर साल एक एक सोने की सीता बनाया करते थे, बाम पास में रख करके यज्ञ करते थे, वशिष्ठ जी प्राण संचार करते सीता स्वयं साक्षात बन जाते, बोले इतने सीधे सब गए, इतने सीधे सब गई कहाँ, बोले इस सब के सब गोपी बन कर गए, द्वापर युग में गोपी बन कर गए, बोले क्यों, बोले कृष्णा बस साथ में हम साथ ही करें, बोले नंद गोप सुतम देवी पति में कुलते नमः, है कात्यायनी की पूजा की, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महाजोगिन्द्रेश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुलते नमः, जैसे नंद के लाला हमारे पति बन जाए, है इसलिए वो सबके सब गोपी बन कर आए। अभी तो कृष्ण को सबको शादी करना पड़ेगा, तेरे को ध्यान देना सुनो, अगली बार मैं पूछूंगा सबको, कृष्ण ये ब्रह्मा कैसे चोरी की है, अभी कृष्ण को सबके साथ में शादी करना, इतने में क्या हुआ, ब्रह्मा जी जब बछड़े सखाओं को चोरी की, इतने में गर्गाचार्य ने पूरा ब्रज में प्रचार कर दिया, बोले देखो ये जो साल है ना, ये अमृत योग है, इसी साल में कोई भी लड़की जब शादी करेगी तभी इसकी संखा नहीं टूटेगी, मांग नहीं मिटेगी, चिर सुहागिनी बनी रहेगी। बोले क्यों, जितने बच्चे सखा बने हुए कौन बनेंगे, वो कृष्ण सबके सब बने हुए। बोले क्यों, बोले ब्रज में जितने छोटी छोटी लड़कियां आई ना, और कोई नहीं, ये गोपियां आई, ये कठोर तपस्या करके, अगर ये गोपियां अगर शादी करेगी तो किसी से शादी हो गई, इनकी शादी किससे हो गई, सब कृष्ण से। बोले क्यों, बोले कृष्ण ही सब सखा बन कर आए, वो जितने सखा मधुमंगल स्तो कृष्ण अर्जुन लबा भी जितने ये कौन हैं, ये सब के सब कृष्ण ही बन कर आए। अगर कृष्ण के साथ में शादी होएगी कितना, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो, कितना ऐसे बर को क्या बरे, जो जन्मे और मर जाए, गोपाल जो चुड़ल अमर ले जाए, हैं? इसलिए कृष्ण के साथ में एक बार शादी हो जाए, फिर संख्या टूटेगी, मांग मिटेगी, हैं? कभी मांग नहीं मिटेगी, चिर सुहागिनी बनी रहोगी। अभी कृष्ण को सब गोपियों से शादी करना है, हैं? क्यों, वही गोपियां तो सब गोपी बन कर के आए, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को बुद्धि को उन्होंने भ्रमित करके उन्होंने सखाओं को चुरवाया है। अभी कृष्ण घर घर में जितने गोपाल बाल है ये सबके सब कृष्ण है। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, ये जितने गोपियां थी ना, ये जितने गोपियां थी ये जाकर के कृष्ण को दर्शन करते थे, भैया तो सुधर कर, बोले क्यों दर्शन करती थी, बोले देखो जगत का एक नियम है, आप देख लेना, जगत का एक नियम है, तुम्हारी बेटा जितने देखने में असुंदर क्यों नहीं हो, लेकिन माँ अपना माँ के लिए सबसे सुंदर अगर कोई बोलेगा कौन है, हर माँ बोलेगी मेरे बेटे जैसे सुंदर है ना दुनिया में और कोई इतना सुंदर नहीं, हर माँ को ये लगता है मेरा बेटा सबसे सुंदर है, अपना बेटे को सामने जितने और जितने सुंदर बच्चे क्यों नहीं हो, लेकिन माँ को अगर पूछोगे सबसे सुंदर बेटा कौन है, मेरा बेटा, ये एक जगत का नियम है, यही नियम है, है? इसलिए लेकिन ब्रज में उल्टा होता था, जैसे सबका पास में बैठे हैं लेकिन ये जो गोपियां थी ना तब भी जा करके कृष्ण को दर्शन करते, कारण किया, बोले कारण ही तुम जो बेटे को प्रेम करते हो क्यों करते हो, चूंकि उसके अंदर में आत्मा है, वो आत्मा चले जाए फिर बेटे को प्यार करोगे, नहीं प्यार करोगे, तब तुम जो प्यार कर रहे हो किसको प्यार कर रहे हो, उसकी अंदर में जो आत्मा बैठा हुआ उसको तुम प्यार कर रहे हो, और आत्मा चली जाएगी तो फिर उसको छुओगे नहीं, छुओगे तो फिर नहाओगे, हैं? फिर उसको स्मशान में फेंक कर आ जाओगे, जला करके आ जाओगे,
लेकिन कृष्ण कौन है? परमात्मा। कृष्ण कौन है? ये परमात्मा, आत्मा भी जो आत्मा है। इसलिए नियम है अपना बेटे को प्यार करना। लेकिन जो गोपियां है ना, रोज जाकर के कृष्ण को दर्शन करते थे। क्यों? कृष्ण परमात्मा है, है? परमात्मा। अपना बेटे से भी ज्यादा कृष्ण को प्यार करते थे। लेकिन जब से कृष्ण घर में ग्वाल बाल बनकर के आए ना, तब से कोई भी गोपियां और कृष्ण को देखने के लिए नहीं जाते। कोई भी कृष्ण को देखने के लिए नहीं जाते। बोले क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो परमात्मा ने ही, कृष्ण ही घर घर में बच्चे बन कर बैठे और हर माता को स्तन को ये पान कर रहे हैं, स्तन को पान कर रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, श्री बलदेव प्रभु भी कृष्ण की माया को समझ नहीं पाए, हैं? माया को समझ नहीं पाए। एक दिन बलदेव प्रभु एक जगह पर बैठे हुए थे। अभी वो जो बछड़े है ना, वो हो गए एक साल की, जो कृष्ण जो बछड़े सखा बने हुए वो हो गए एक साल की। अभी गैया ने नया बछड़ा ब्याह, आप देखना जब गैया नया बछड़ा ब्याह देती है, अपने पुराने बछड़े को प्यार नहीं करती, इसको प्यार करती है, नए बछड़े को, पुराना बछड़े को छोड़ देती है। क्यों? पुराना हो गया, अभी नया बछड़े। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो पहाड़ के ऊपर में जो नया जो बछड़े थे ना, नया बछड़े पहाड़ के ऊपर में वो गोप लोग वो चरा रहे थे बछड़े को, बछड़े को चरा रहे थे। और नीचे जो सखा लोग थे, ये लोग सब थे, सब चरा रहे थे, नए बछड़े को चरा रहे थे और वो पुराना बछड़े को चरा रहे थे। कौन है? बड़े बड़े गोप चरा रहे थे। एक दिन बलदेव प्रभु ने देखा ये गैया नए बछड़े को तो छोड़ दिए और जो पुराना बछड़ा था उनको प्रति भागने लग गए, पूछ उठा करके। गोप ने बहुत कोशिश की रोकने के लिए गैया को, लेकिन उन्होंने गैया को रोक नहीं पाई। फिर डंडे मार रहे थे, रोक नहीं पाई। इतने में गोपों के अंदर में बड़ा क्रोध आया, बट गोपों को बिल्कुल, ये बच्चे लोग क्यों ये बछड़े को लेकर के आ गए? इतने में जाकर के बच्चों को हम पिटाई करेंगे, गोप लोग सोच रहे थे। लेकिन जब ये पुराना बछड़े को पास में जाकर के गैया उनको ऐसे चाट रही थी जैसे खा जाएगा, और ये लोग गोप लोग बड़े क्रोधित तो होकर गए, अभी इनकी पिटाई करेंगी। लेकिन जब गए ना बच्चों को पास में, वो पिटाई क्या करेंगे, वो यही से उनको देख करके मुग्ध हो गए, पागल हो गए, उनको गोद में ले करके इतने लाड़ प्यार कर रहे थे। बलदेव प्रभु देख करके बड़े आश्चर्य, बोले भैया भैया ये नए बछड़े को छोड़ करके पुराना बछड़ों को ऐसे चाट रहे जैसे खा जाएंगे, और गोप लोग का अंदर बड़े क्रोध आया। लेकिन बच्चों को पास में आकर सारे क्रोध शांत कैसे हो गया? बलदेव प्रभु ऐसे ऐसे आग फार फार करते करे थे। बलदेव प्रभु बैठे ना, वो आग फार फार कर बलदेव प्रभु देख रहे थे। बोले भैया ये क्या देख रहा हूँ? लेकिन उनका बुद्धि का हम नहीं किया। बोले भैया जो महामाया मेरे बुद्धि को भ्रमित नहीं कर सकती है, ये योग माया भी मेरे मन को भ्रमित नहीं कर सकती है, अरे ये किसकी माया है? इतने में कृष्ण ने श्री बलदेव प्रभु को इशारा किया, बोले भैया ये मेरी माया है। इतने बलदेव प्रभु उन्होंने आंखों से आंखों मिला, बोले कन्हैया मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? बोले भैया पापड़ बेलते बेलते एक साल हो गए, पापड़ बेलते बेलते एक साल हो गए। बल्कि जितने बछड़े सखाओं को देख रहे ना, ये और कोई नहीं, मैं ही बछड़ा सखा बना हुआ। बोले कन्हैया तू मैया जसदा के दूध पी करके तेरे को पेट नहीं भरा, और जितने तुम बछड़े बनकर इतने गैया के दूध पी रहे हो, और जितने ब्रज की सब माताएं थी इनके सबके दूध को तुम पी रहे हो। बोले हाँ भैया, क्योंकि इनकी मन में भावना थी, इनकी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे बछड़े सखा बन करके आए। इसलिए कृष्ण की ऐसे माया है, जब श्री बलदेव प्रभु भी जिनकी माया को समझ नहीं पाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री। इतने में श्री ब्रह्मा जी जब उन्होंने देखा भगवान अपना विभूत दिखाया, देखो ये जितने बछड़े सखा और कोई नहीं, मैं स्वयं में बना हुआ हूँ, सब नारायण नारायण नारायण। फिर तो ब्रह्मा समझ गए, बोले भैया
कि जो कृष्ण है ना ये मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी की ये पिताजी ये कृष्ण है। बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विक्रम अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। बोले कृष्ण कौन है? बोले ये ईश्वर है। बोले ईश्वर का मतलब क्या होता है? बोले दिन को जो रात और रात को जो दिन कर सकता है, मरने वालों को जो जिंदा, जिंदा वालों को जो मार सकते हैं। इसलिए ईश्वर मतलब है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते वो ईश्वर है। कह ये कृष्ण कौन है? बोले परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम, इनका जो स्वरूप है सत चित आनंदमय। बोले अनादि रादि, बोले अनादि कौन है? बोले श्री कानंद गोसाई, जिनसे ये विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होता है। हैं कहते उनकी आदि कौन है? कहते श्री बलदेव प्रभु। बोले उनकी आदि कौन है? बोले श्री कृष्ण कहने हैं। मतलब कृष्ण से जगत में बड़े कोई नहीं, उनसे ही ये दुनिया के विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होता है। सबका कारण कर्ता कौन है? बोले भगवान स्वयं कृष्णचंद्र। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की है, श्री नंद के लाला की है, जय जय। तब ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर सुंदर श्लोक से स्तुति किए। बोले प्रभु ये ज्ञानी लोग क्या करते हैं? तुम्हारी भक्ति को छोड़ करके कोई ज्ञान और कर्म के तरफ में भागते हैं। बोले क्यों ये कर्म ज्ञान का तरफ में भागते हैं? ज्ञान मार्ग तो बड़े कठिन मार्ग है, योग मार्ग तो बड़े कठिन मार्ग है, लेकिन जो भक्ति मार्ग है ना बड़ा सरल है। ये भक्ति मार्ग है, ये भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। भगवान कहते हैं जो नौ तरह का जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो नवविद्या भक्ति में अगर एक भक्ति को कोई निष्ठा पूर्वक जाजन कर लेना कृष्ण मिल जाए। जैसे श्रवण करके परीक्षित महाराज को मिले, कीर्तन करके श्री सुखदेव गोस्वामी को मिले, स्मरण को द्वारा श्री प्रह्लाद महाराज ने प्रभु को प्राप्त कर दिया। बोले श्री पाद समद को द्वारा लक्ष्मी, बोले बंधन को द्वारा श्री अक्रूर, सख्य को द्वारा अर्जुन, दास्य को द्वारा श्री हनुमान, इन लोगों ने केवल एक एक भक्ति को उन्होंने जाजन किया। ज्यादा भक्ति नहीं, एक भक्ति, भगवान उसी से ही ठाकुर जी संतुष्ट हो गए उसी से ही। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भक्ति श्रेय मार्गम, कहते भक्ति जो अत्यंत कल्याणदायी मार्ग है, इसको छोड़कर क्यों ये इधर उधर भटकते सब मूर्ख है, हैं? इतने में श्री ब्रह्मा जी जब भगवान को स्तुति कर रहे थे, बोले ज्ञानी प्रयास उपास नमंत एव जीवती सन्मुख रीतं भवदीय वाचां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तन्वां मनोवी चेत् प्रायस अजितो चित्तो अभिस्त्रयोत्या। यत भगवान का एक नाम है अजित। अजित मतलब जो भगवान को कोई जीत नहीं सकते, मतलब भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। फिर यहाँ प्रश्न होता है, फिर क्या भगवान मिलेंगे नहीं हमें? भगवान का नाम अजीत है, मतलब जो उनको कोई जीत नहीं सकते, कोई पा ही नहीं सकते, फिर क्या भगवान फिर हमें नहीं मिलेंगे? बोले हाँ मिलेंगे। बोले कैसे मिलेंगे? बोले ज्ञान प्रयास उपास, बोले ज्ञान का प्रयास को छोड़ दो। फिर यहाँ पर तीन तरह का ज्ञान है, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ और जीव ब्रह्म ज्ञान, तीन तरह का ज्ञान है। एक ज्ञान है जो जो व्यक्ति वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं, बोले ये ज्ञान को छोड़ दो। और दूसरी बात बोले तत्व ज्ञान को भी छोड़ दो, हैं? छोड़ करके क्या करो? बोले संतों के चरण में रहते हुए उनकी मुखार बिंद से भगवान की कथा रूपी गंगा की जो नदी बहती है उसमें स्नान करते रहो, मतलब शुद्ध भक्तों की कथा सुनते रहो, संतों की संग करते हुए उनकी कथा को सुनते रहो। बोले कथा कैसे सुनेंगे? बोले स्थाने स्थिता श्रुतिगता तत्वांग मनोवी। स्थाने स्थिता मतलब अगर किसको भजन के लिए बोलना, बोले अभी
अभी भजन करने का समय नहीं आया, बोले क्यों? बोले बेटियों का साथ सुधा दे करके बेटी की शादी नहीं हुई, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, जब इनके सारे काम खत्म हो जाएगा ना, हर चीज में हम सेटिंग हो जाएंगे, फिर तक जाकर के भजन करेंगे। आप बताओ जगत में अभी तक कोई सेट हो पाए हैं? अभी तक जगत में कोई सेट हुए हैं? देखना किचन रूम को सेट कर दिया, अपना डाइनिंग रूम को सेट कर दिया, अपना बेडरूम को सेट कर दिया, लेकिन खुद अपसेट, अपना मनी अपसेट, और सब को सेट कर दिया। किसी व्यक्ति को बोले कथा सुनने के लिए आओ, बोले सारे काम को निपटा करके ना, सारे काम को निपटा करके हम तो कथा सुनने के लिए आएंगे। बोले भैया तू स्वयं निपट जाओगे, लेकिन काम को नहीं निपटा सकते। अब तो किसी ने काम को निपटा पाए दुनिया में? इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भैया जिस अवस्था में तुम हो वो अवस्था को सबसे बढ़िया अवस्था तुम समझो। जीवन में ये सबसे बढ़िया अवस्था यही है, भगवान जिस अवस्था में तुम रहते हैं उसी अवस्था को बढ़िया समझ करके अभी से प्रभु की भक्ति करना शुरू कर दो। हैं? आगे अगर बढ़िया स्थिति आएगी तब आएगी जब तुम भगवान की भजन करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तभी जीवन में बढ़िया अवस्था आएगी। बगैर भजन किए हुए अभी तक किसका बढ़िया अवस्था नहीं है। इसलिए स्थानीय स्थिता क्या करो, काय मन और वाक्य, ये तीनों से भगवान की भक्ति करो। बोले काय बन वाक्य से भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? बोले शरीर से मतलब कहीं अगर भगवत कथा हो रही है, ध्यान देकर सुनो सबके सब, कहीं अगर भगवत कथा हो रही है ऐसे नहीं जाकर बैठ गए, नहीं, ये कथा सुनने का नियम नहीं। नियम क्या है? पहले जा करके जो जिस स्थान पर कथा हो रही है पहले वो स्थान को पहले प्रणाम करो, पहले वो स्थान को प्रणाम करो, और जितने लोग कथा सुन रहे हैं सबको प्रणाम करो, जो कथा कर रहे हैं ये सबको प्रणाम करो। ये नियम है कथा सुनने का, ऐसे नहीं गए और चुपचाप बैठ गए, नहीं, ये पाप लगता है। भागवत कहता है सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, जहाँ पर ये हरि चर्चा भगवत चर्चा हो रही है वो साधारण भूमि नहीं, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आकर के निवास करते, सारे तीर्थ वही स्थान, सारे तीर्थ बन जाती है, वो स्थान अत्यंत पवित्र होती है। इसलिए बोले कथा कैसे सुने? बोले काय मतलब शरीर को थोड़ा प्रणाम करो, उसके बाद में बोले मन, कथा तो मन से सुनना पड़ेगा, अगर मन से कथा नहीं सुनेंगे तो फिर तो मन और कहीं है, मन तो और कहीं चला जाएगा है। और वाणी, वाणी मतलब देखो ध्यान देकर सुना, यहाँ पर सिर्फ विश्वनाथ चक्रधारी कहते हैं ऐसे नहीं, यहाँ आए कथा सुने और कथा खत्म और तुम भी खत्म, नहीं, जो कथा सुनते हो ये कथा को लेकर के दूसरों को भी सुना। अरे हमने आज गौड़ी मठ में गया था, अमुक कथा सुने, भगवान की कथा सुने, ऐसे नहीं घर में जा करके अपना पति को भी सुनाओ, अपना बच्चों को भी सुनाओ, बेटा एक माला जप करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की भजन करो, आज हम कथा में गए थे और ये कथा हमने सुनी है, ठीक है ना। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको भी भगवान की बात में बताओ, दुनियादारी की बात मत करो। दुनियादारी की जो बात है ना वो बड़ा दुखदायी है, जिसको पास में बैठ करके संसार की बात करो बोले कैसे हो, मुंडी हिलाकर ठीक है, बैठ करके बात करो, कोई बोलेगा बेटे से दुखी, कोई बोलेगा बेटी से दुखी, कोई बोलेगा परिवार से दुखी, कोई बोलेगा काम से दुखी, कोई बोलेगा बहू से दुखी, कोई बोलेगा बेटी से दुखी, कोई बोलेगा बेटा से दुखी, दुखी दुखी दुखी, लेकिन आप प्रभु की हरि की चर्चा करो देखना सब दुख दूर हो जाएगा। जब भगवान की बात करोगे ना है, भगवान की बात में शांति और आनंद मिलता है। इसलिए दुनिया की बात मत करो, क्या बात करो, भगवान की चर्चा, भगवान की हरि की चर्चा करो, ठीक है ना। इसलिए हमारे जो बड़े गुरु जी कहते थे जब तुम दूसरे बार आओ कम से कम 10-10 व्यक्ति को लेकर के आओ। बोले भैया 10-10 व्यक्ति को लेकर कब आओगे? जब दूसरों को कथा सुनाओगे ना, बोले भैया चलो गौड़ी मठ में कथा हो रही, अच्छी कथा हो रही, हम कथा सुन कर आएंगे, कथा सुनोगे तो शांति मिलेगा, परिवार में तुमको शांति सुख मिलेगी, बच्चे कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, बच्चे सदमार्ग पर चलेंगे, हैं। इसलिए क्या करो,
दूसरों को कथा सुनाओगे तब तक किसी व्यक्ति को लेकर के आ सकते हो। इसलिए कहते काय मन और वाक्य बोले तीनों से कथा सुनो, बोले स्थाने से नाम। कहते कहां पर रह करके भजन करे, बोले जहां पर भगवान की भक्त लोग रहते हैं, जहां पर भगवत कथा रूपी गंगा की नदी रहती है, वहीं पर रह करके भगवान की कथा सुनो। और स्थाने स्थितम श्रुतिवा तनुवाम मनोही, बोले भैया कथा सुने किसकी, कथा सुने किसकी, बोले केवल दो ही कथा सुनो। किसकी कथा सुनना, केवल दो ही कथा सुनना, बोले किसकी, बोले एक भगवान की और दूसरे भगवान की भक्तों का। देखना भगवान को छोड़ करके भक्त भी नहीं और भक्त को छोड़ करके भगवान भी नहीं। अगर तुमने राम की कथा सुना होगी, भरत का कथा है, लक्ष्मण का कथा आएगी, सबर की कथा आएगी। अगर तुम भक्तों का कथा सुनाओगे, भगवान को छोड़कर भक्त है ही नहीं, भक्त को छोड़कर भगवान है। इसलिए कथा किसकी सुने, दुनिया की कथा नहीं सुने, भगवान और उनके भक्तों की कथा को सुना है। अगर ऐसे अगर कथा सुनोगे क्या होगा, जब भगवान अजीत होने पर भी तुम्हारी भक्ति से भगवान जीत जाए और जीत जाए। दूसरी बात कहते हैं, देखो भजन करते करते अगर थोड़ी बहुत कोई दुख आ जाए ना, भजन को छोड़ना है, भजन को नहीं छोड़ना है। लेकिन हम क्या करते हैं, भजन कर रहे हैं, अगर थोड़ी बड़ी कोई दुख कष्ट आ जाए तो खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे। पहले तो ये पहले ये माला छोड़ने के लिए सबसे पहले तैयार करते हैं, ये माला छोड़ने के लिए सबसे हमने भगवान की भजन की, भगवान ऐसे करते हैं हमारे साथ, पहले माला ही छोड़ने के लिए तैयारी बैठते। लेकिन घूमना नहीं छोड़ेंगे, खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, सारे चीज को रखा करेंगे, लेकिन प्रभु की भजन को ही छोड़ने के लिए सबसे पहले तैयारी बैठते। ब्रह्मा कहते नहीं, अगर कहते हैं ना आप बताओ, हम कोई पाप नष्ट करना चाहते ना, हम पुण्य नष्ट करना चाहते, बताओ आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, पाप नष्ट करना चाहते ना, पुण्य नष्ट करना चाहते हो? बोले पाप कब कैसे नष्ट होगा, पाप दुख दे करके ही पाप नष्ट होता है, सुख दे करके पुण्य नष्ट होता है। कोई भी पुण्य नष्ट करना नहीं चाहते, सबके सब पाप को नष्ट करना चाहते हैं। पाप तभी नष्ट होगा जब कोई दुख कष्ट आ रहा है, अगर कोई दुख कष्ट आए तो ये समझना हमारे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं और आगे हमारे जरूर पुण्य आएगा, जीवन में सुख शांति जरूर आएगी। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भैया तत्व अनुकंपा सुमिक्षमान गुंजामी के बाद कृतम विपाक, जीवन में जो कुछ आए कभी दूसरों को ऊपर में दोष मत लगाओ। क्या मत करो, दूसरों को ऊपर में कभी दोष मत लगाओ, भैया अमुक की वजह से ऐसे हो गया ना, बोले भैया किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ, इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, तुमने जैसे बीज बोया ना वो ऐसे ही वृक्ष आएगा। अगर चीकू का बीज बोओगे ना केले के वृक्ष नहीं आएगी, अगर तुमने केले के वृक्ष का बीज बोओगे तो नीम का वृक्ष नहीं आएगा। जैसे बीज बोओगे वैसे ही वृक्ष आएगी। तुमने जैसे कर्म किया है वो कर्म का फल तुम भोग कर रहे हो, कोई किसी के लिए कुछ नहीं होता है, अपना पाप का फल ही हम भोग करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं किसी को ऊपर में कभी दोष मत लगाओ, जीवन में जो कुछ आता है उसको हंसते हंसते भोग लो। और क्या करो, एक बार हाथ उठाओ बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। बार बार जोर कर बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। प्रभु मेरी चोली में दुख भर दो, बोले बुआ जी सारा जीवन तुमने दुख उठाई, जन्म से दुख ही दुख है, बचपन में तो तुम्हारी पति मर गए, फिर भीम को मारने के लिए बीज का लड्डू खिला करके पानी में फेंक दिए, जंतु गृह में आग लगा कर मारने के लिए कोशिश की, फिर 13 साल तक जंगल में भटकती रही,
मेरे द्रौपदी की बस कितने दुख जीवन में आई है, कहते ये दुख भोग करते करते क्या तुम्हारा जी नहीं भर गया, पेट नहीं भर गया? जब फिर मैं मांग रहा हूँ, मांगो क्या मांग रहे हो, बोले दुख ही मांग रहे हो, फिर वही तुम क्या तुम्हारे पेट नहीं भर गया? दुखी क्या कहती है, बोले सुख के मात सील पड़े जो राम हृदय से जाए, वही हरि वह दुख को जो बल बल नाम जपाए। इसलिए दुख में सुमिरना सब करे, सुख में लगे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे तुम गाय को। इसलिए कहते कन्हैया दुख में तेरी याद आता है, सुख में तेरी याद नहीं आती है। बोले कन्हैया चार ही तरह का व्यक्ति तेरे भक्ति नहीं करते। बोले कौन कौन है? बोले जिसको पास में तो थोड़ा ज्यादा पैसा हो जाए ना, देखना वो कहीं सत्संग में हरी कथा नहीं मिलेगी, वो किसी क्लब में मिलेगी, यदि सिनेमा हॉल में, नहीं तो कोई जुआ खेलते हुए, नहीं तो कोई पीते हुए मिलेगी आपको, उनको सत्संग में नहीं मिलेगी। देखना कथा में वो नहीं मिलते, जितने गंदे काम कर देखना उनको वही मिलेगी। अगर कभी कथा में आ भी गए ना, वो बैठेगा नहीं, वो थोड़ी समय बैठेगा तो खुजली बच जाएगी। बोले यहाँ से भगव जल्दी जल्दी भगव, यहाँ से बैठ नहीं सकते कथा में, क्योंकि पापी है ना। इसलिए भैया तुर्ती कहती है प्रभु जिसको पास में ज्यादा पैसा है ना, वो तेरा भजन नहीं करेगा, अभिमान आ जाएगा। दूसरे ने जन्म, जिसको बड़ी हाई हाई कूल में जन्म हो जाए, बोले प्रभु अहंकार आ जाए तो भी भजन नहीं करेगा। श्रुति थोड़ी सी अगर लिखाई पढ़ाई ज्यादा हो गई, एमए बीएचडी डॉक्टर बन गए, बोला अरे हम सब जानते हैं, हम क्या कथा सुनेंगे। अब जिसको थोड़ा चमड़ा सुंदर हो जाए, हीरो हीरोइन हो जाए, फिर देखना कहते प्रभु ये तेरे भक्ति नहीं करेंगे। कहते नमो अकिंचन बिताय निवृत्त गुण बिताय, तेरे जो भजन करने वाले ना बड़े दीन है। देखो राम का जितने भक्तों को देखो, बंदर हनुमान, सुग्रीव हनुमान, कुहक चंडा, सबरी, काक मुसुंडी, जांबवा, देखो राम का भक्त है ना, विभीषण। इसलिए बोले प्रभु हमें दुखी दो, दुख में तेरे स्मरण होगा, सुख में तेरे को भूल जाएगी तेरे को। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, देखो जब भक्ति करते करते कोई दुख आए ना, भले ही सारा दुनिया तेरे को छूट जाए, लेकिन भजन नहीं छोड़ना। एक दिन दुनिया तेरे से छूटेगा ही नहीं, छोड़ोगे तो दुनिया तेरे को छोड़ देगा, और तू भी एक दिन ये दुनिया छोड़ोगे। कोई नहीं बोल सकता यहाँ पर रहोगे, लेकिन अंतिम समय जब आएगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, कोई बोलेगा नहीं तेरा बेटा सच्चा, तेरे बीवी सच्चा, तेरे दुकान मकान सच्चा है। बोले सब कोई बात झूठा है, राम राम सतराम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल सत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते बोलते ले जाएंगे। इसलिए जीवन में कभी दुख कष्ट आए तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले भगवान कौन है? बोले रस्व भैस रस्व झबया लब्धानंद भवती, भगवान आनंद कंद है, भगवान रस की समुद्र, भगवान है। पिताजी के पास में जैसे रखा संपत्ति, अभी बच्चे को कब वो संपत्ति मिलेगी, कब मिलेगी बच्चे को? जब जिंदा रहोगे तब तो मिलेगा, अगर मर जाओगे तो कहाँ से मिलेगी, है? इसलिए कह रहे हैं भगवान अनंत विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, तभी वो प्रेम रस तुम्हें मिल सकती है, कब? जब तुम भक्ति में टिके रहोगे। अगर भजन ही तुमने छोड़ दिया, विपत्ति आ गई तो भजन ही छोड़ दिया, फिर तो दुख में डूबते रहोगे, दुख में इस जिंदगी भर दुख ही भोग करते रहोगे, दुख से कभी निकल नहीं सकते। हाँ ब्रह्मा जी एक बात कह रहे हैं, तो देखो ये जीवन में दुख क्यों आता है? बोले कारण ही ये हमारी पूर्व जन्म का कर्म का फल है, पूर्व जन्म का कर्म का फल ये दुख कष्ट आ रही है। बोले ये दुख कष्ट कैसे खत्म होगी? केवल भगवान की भक्ति से, और कोई उपाय नहीं, करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन तुम्हारी पूर्व जन्म का पाप तो खत्म नहीं कर सकते। आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुने हो, पहले ये दशरथ ना करता, इतने ब्राह्मण को उसने हत्या की, जन्म से कुआ भर गया। जब श्री नारद जी बोले राम बोलो, वो इतना बड़ा पापी था, उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला। आप देखना जो पापी लोग है ना, तीन भर बैठ करके इसकी बेटी की, इसी गौ की, सारा दुनिया की चर्चा, जैसे बड़े टर 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 करता है ना, तीन भर टर 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 करते रहे।
बोले कि भैया अगर आप प्रभु का नाम जप कर बल ये नहीं कर सकते, जो पापी है ना वो पापी है, इसलिए उसका मुंह से भगवान की नाम नहीं निकलता है। जब बोले दस रत्ना कर पर राम बोलो, उसको मुंह से नाम ही नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते, बोला इतना तो बोल सकता हूँ। इसलिए उल्टा नाम जपते चले जाना और बाल मिली है ब्रह्म समाना। उसने केवल मरा मरा करते 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 दस रत्ना करने राम बन गए, वाल्मीकि बन गए और रामायण ग्रंथों को उन्होंने लिख दिया है। इसलिए देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की नाम अगर किसी तरह से निकल जाए। एक उदाहरण दिया है, आप लोग कभी जमीन में कोई बीज बोए हो, कभी पेड़ लगाया जमीन में, आप देखना जो खेती में गेहूं लगाते हैं कैसे लगाते हैं, गेहूं को बीज को लग रहे कैसे फेंकते हैं, है ना, धान गेहूं का कैसे लेकर के जमीन में ऐसे फेंक करके आ जाते हैं। लेकिन देखना वो बीज उल्टा पड़े नहीं तो सीधा पड़े, नहीं तो टेढ़ा पड़े, लेकिन जब पेड़ होता है कैसे होता है, सीधा पेड़ सीधा हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर किसी तरह से भी तुम भगवान के नाम को ले लोगे ना टेढ़े मेढ़े करके, लेकिन जो फल होगा ना वो सीधा ही होगा, फल उसका सीधा ही होगा। इसलिए कहते राम ना संगई नाम गुण गाई, भगवान के नाम में इतने शक्ति है, बोले भगवान स्वयं भी अपना नाम की महिमा को गा भी पाते हैं, इतने प्रभु के नाम की इतने महिमा। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं भैया जीवन में जो कुछ आता है अगर तुम भगवान के नाम करोगे भक्ति करोगे जितने जल्दी से जल्दी तुम्हारे पाप तुम्हारे धर्म हो जाए, इससे और कोई उपाय नहीं। लाभ कर लो तुम यज्ञ साधन कर लो, लेकिन पाप से तुम निष्कृत नहीं पा सकते हो। केवल जितने प्रभु का नाम लोगे हरि नाम करोगे उतना तुम्हारे सारे पाप भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं साधन भाव और प्रेम तीन अवस्था है, अगर सही सही तुम साधन करोगे ना तब उसकी दो फल है। कितना फल है, दो फल है। मतलब क्या है, पहले क्लेशक नहीं और दूसरा उसकी शुभता। क्लेशक की मतलब जीवन में जितने क्लेश है दुख है वो खत्म हो जाएगा। शुभता मतलब हाँ दुनिया में तुम्हारी जय जयकार होगी, सारा दुनिया तुमको पूजा करने लग जाएगी, केवल अगर शुद्ध रूप में भगवान के नाम रोचक करोगे तो। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति की और उनकी परिक्रमा करते हुए बोले हे प्रभु अगर कोई पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश को बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन तेरी महिमा को कोई नहीं गा पाएंगे, तेरे महिमा को कोई खा नहीं पाएंगे। उन्हें प्रणाम करते हुए वैसे ब्रह्मा जी चले गए। एक बार हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम करो ये सुंदर सी
क्या खूबी होस्न बयान करूं, ये ब्रज का एक खिलौना है। बोले नंद के लाला की जय। एक गोपी की कन्हैया से नैना लड़ गए और कहा कह रही है, नैना लड़ गए माँ के बिहारी के, अब घर जाओ।
जाऊं तुम के जेठा में रहेगी, घर जाऊं तुम के जेठा में रहेगी, घर जाऊं तुम के ननद रहेगी, घर जाऊं तुम के ननद रहेगी। मुझे जाने की चोय याद आई क्या ननद कौन कभी कभी समझ ले, लेकिन ये जेठा का वास्तव में भी बहुत खतरनाक है। घर जाऊं तो मेरी ननद रहेगी, घर जाऊं तो मेरी ननद रहेगी, दादाजी को विचार करेगी, ननद लड़ेगी ये विचार करेगी, घर जाऊं तो मुझे ननद रहेगी, घर जाऊं तो मुझे ननद रहेगी, घर जाऊं तो मुझे ननद लड़ेगी, घर जाऊं तो मुझे ननद लड़ेगी। जब कोई यज्ञ प्रारंभ होना नियम है
जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो जाए बीच में यज्ञ नहीं बंद करते। लेकिन जब यज्ञ कर रहे थे इतने में हठात देखा आकाश से एक ज्योति को उतरते हुए, बोले भैया ये ज्योति कहाँ से उतर रहा है। वो ज्योति जब नीचे आया देखा वो ज्योति नहीं कोई एक इंसान है। लेकिन वो ज्योति जब नीचे आ गई देखा वो इंसान नहीं, वो कौन है, श्री नारद जी है। इसलिए देखा वो कौन थे, श्री नारद। जब नारद जी आए श्री वसुदेव महाराज खड़े हो गए, कृष्ण स्वयं खड़े हो गए, बोले यज्ञ को बंद करो, यज्ञ को बंद कर दो, यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं। बोले क्यों, बोले यज्ञ हम जिस काम के लिए कर रहे थे उसका जो फल है वो डायरेक्ट रूप में फल आ गया। अभी जिस सिंहासन में भगवान स्वयं बैठते ही तब नारद जी को उसी सिंहासन में बैठा दिया। वसुदेव महाराज, कृष्ण, श्री बलदेव प्रभु, श्री नारद जी की चरण की उन्होंने वंदना की, चरण की पूजा की, उनकी चरण को धोए, उसकी चरणामृत को स्वयं भगवान कृष्ण पान करते हैं, श्री बलदेव प्रभु पान करते हैं और संपूर्ण द्वारका में शांति जल रूप में उनकी चरणामृत को उन्हें छिड़काव कराया है हमारे देश का एक बच्चों बिल्कुल। इसलिए शांति जल रूप में पूरा द्वारका में छिड़काव करवाए। अभी उनकी चरण में बैठ करके अब श्री वसुदेव महाराज वो कह रहे हैं, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रा भी दुर्लभम अन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते यज्ञ क्यों कर रहे थे, आप बताओ यज्ञ का नाम क्या था, आप लोग कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो, उस यज्ञ का नाम क्या था, विश्व शांति महायज्ञ। इतने बड़े यज्ञ जिसमें स्वयं कृष्ण है, स्वयं बलदेव प्रभु, उनकी 16108 पटरानियां देवकी वसुदेव वहां पर, लेकिन जब नारद जी आ गए ना सारे यज्ञ को ठप करवा दिया, बंद करवा दिया। बोले यज्ञ जिस काम के लिए कर रहे थे वो साक्षात रूप में आ गए। यहाँ प्रश्न होता है भैया नारद जी आए तो भैया यज्ञ क्यों उन्होंने बंद कर दिया, इतने बड़े यज्ञ कर रहे थे विश्व शांति महायज्ञ। यहाँ पर भगवान शिक्षा देते हैं, बोले जीवन में शांति कब मिलेगा, जब कम शांति मिलेगा जीवन में। कृष्ण गीता में कहते हैं बोले हे अर्जुन तमेव सनम गच्छ सर्व भावेन भारत तत् प्रसादात परां शांति। बोले जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाए भले ही करोड़ उपाय तुम कर लो, सारा दुनिया की हम सोचते हैं शायद ज्यादा पैसा कमा लेंगे ना भैया ज्यादा सुखी हो जाएंगे। रावण जैसे इतने पैसा तुम नहीं कमा सकते हो, आपके पास में कितने पैसा होगा, कितना सोना होगा बताओ, 1 किलो होगा, 2 किलो होगा, 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो, उससे ज्यादा सोना होगा तुम्हारे पास में। लेकिन इस रावण का संपूर्ण लंका ही सोना है, उसका बेडरूम भी सोना, उसका डाइनिंग रूम भी सोना, उसका किचन रूम भी सोना, उसका टॉयलेट भी सोना, उसका बाथरूम सब सोना ही सोना है। हम कहते हैं शायद किसी सुंदरी लड़की से शादी हो जाएगी ना शांति मिल जाएगी। बताए रावण पत्री का नाम क्या था, मंदोदरी का मतलब क्या पता है, मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर, जिसकी कमर इतनी पतली थी उनकी। उसका पिताजी का नाम कौन था, विश्वकर्मा, जिसने सारे अच्छे अच्छे गुण को देकर बेटी को बनाई। उस समय इतने सुंदरी कोई नहीं थी पृथ्वी में, 20 वार थी उस समय इतने सुंदरी थी। बेटा सोचते हैं शायद कोई बढ़िया बेटा जन्म हो जाए ना शांति मिल जाएगी। बताओ रावण का बेटा का नाम क्या था, मेघनाथ, इंद्रजीत, जिसने इंद्र को परास्त कर दिया, इतने पराक्रम का, इतने नाती पोती। लेकिन तब भी वो चैन से नहीं, वो बेचैन से जी रहा था। इतने सोने की लंका में एक से एक एक स्त्री नहीं थी, आपको पता रामायण देखे होंगे ना, जितने सुंदरी सुंदरी स्वर्ग सभी अप्सरियों को सुंदरी जहां पर देखा पकड़ करके जोर जबरदस्ती अपना उसने बीवी बनाया था।
लेकिन उसका अंदर में बेचैन से रह रहा था, वो चैन से नहीं बेचैन से। बोले क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। भगवान से विमुख होकर के रावण को भी शांति सुख में नहीं मिली। वो व्यक्ति उतना सुखी है वो जितने भगवान की भक्ति करता है, वो उतना दुखी है जो जितने भगवान से दूर है, वो उतना ही दुखी। बोले क्यों? शास्त्र कहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें तीन शब्द आता है, अतः अतः और ब्रह्म जिज्ञासा। अतः मतलब क्या? बोले जीव सुख ढूंढता है, लेकिन दुख क्यों मिलता है, सुख नहीं मिलता। अतः अतः मतलब है, जहां पर तुम्हें सुख ढूंढने चाहिए तो वहां नहीं ढूंढ कर गलत जगह पर सुख ढूंढ रहे हो, गलत जगह पर। इसलिए ये संसार क्या है, जिसने ये दुनिया बनाया ना, कृष्ण स्वयं कहते हैं दुखा लयम असा सत्वम, ये संसार दुख का घर है। कोई तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, बीवी से दुखी, पति से दुखी, दुखी दुखी है दुनिया, दुख का घर। और असा सत्वम, असा सत्वम का मतलब होता है कि संसार नष्ट हो रहे, सब नष्ट हो रहा है। हमारे पिता भी गए, उसको भी पिता गए, उसको भी पिता गए, सबके सब गए, और हम भी एक दिन जाना पड़ेगा। यदि जो वस्तु अनित्य है, जो वस्तु एक दिन नष्ट होने वाले, तुम वहां से सुख ढूंढ रहे हो, सुख कहां से मिलेगा? वो स्वयं दुखी जो व्यक्ति दुखी दुखी, वो तुम वहीं से सुख ढूंढ रहे हो। बोले सुख कब मिलेगा? बोले ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक जी ब्रह्म को पास में नहीं पहुंचाए। ब्रह्म मतलब क्या है? बोले जो स्वयं आनंद स्वरूप है, जो स्वयं रस स्वरूप है, जो स्वयं प्रेम स्वरूप है, जो स्वयं सुखी स्वरूप है, वो कौन है? बोले भगवान, आनंदमयम ब्रह्म, वो आनंद स्वरूप है। जब तक उनकी शरण में नहीं जाओ, अपना सुख नहीं मिलेगा। अभी प्रश्न है, वो यज्ञ का नाम क्या था? विश्व शांति महायज्ञ। लेकिन नारद जी आए तो यज्ञ बंद कर दिया। बोले क्यों बंद कर दिए? बोले जब तक कोई साधु का दर्शन तुम्हें नहीं होता है ना, तब तक तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलेगा। शांति कौन मिलेगा? भगवान की भक्ति से, भगवान की भजन से शांति मिलेगी, और किसी चीज की शांति नहीं मिलेगी। लेकिन वो भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए जब हनुमान जी को साथ में श्री विभीषण का साक्षात्कार हुई, विभीषण को जब पता चला हनुमान जी कौन है, राम के प्यारे भगत है, वो क्या कहता है? आज मोए भा भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता। जो रघुबीर मोहे अनुग्रह किनी, तो मई दर्श चली। आज लगता है मेरे ऊपर प्रभु राम की कोई कृपा है, तब आज संत मिले। और जब तक संत नहीं मिलते हैं, तब तक भगवान नहीं मिलते हैं, तब तक ठाकुर जी नहीं मिलते हैं। इसलिए जब श्री नारद जी आ गए ना, सारे यज्ञ को बंद कर दिया। बोले यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं। क्यों? साक्षात श्री नारद जी ये शांति रूप में आ गए। तो उन्होंने नारद जी की चरण में बैठ गए, बैठ करके तब श्री वसुदेव महाराज कहते हैं, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनामुखेणवंगुरम तत्रापि दुर्लभमन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। इसका मतलब है, एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ, जो 84 लाख जन्म के बाद में ठाकुर जी एक बार देते हैं, बारंबार ये जीवन हमें नहीं मिलती है। एक तो मानव शरीर दुर्लभ, बल उसमें ज्यादा दुर्लभ क्या? बोले वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवान से भी ज्यादा दुर्लभ है जब भक्तों का दर्शन हो। बोले क्यों? बोले भगवान देखो सामने बैठे, लेकिन भगवान हमसे बात करता है। ठाकुर जी बोलते हैं, तू ये गलत रास्ता पर क्यों जा रहे हो, इधर क्यों जा रहे, ये करो, ये क्यों कर रहे हो, ये करो, भक्ति करो, भजन करो। ठाकुर जी बोलते हैं, हमसे बात करते हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी बात नहीं करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव आचार्य मांग विजया, जब मैं किसी जीव को पर कृपा करता हूँ, मैं स्वयं संत रूप में ही उसको पास में स्वयं आता है। इसलिए बोलते हैं तत्रापि दुर्लभमन्ये, जब श्री ध्रुव जी को भगवत दर्शन हो गया, भगवान बोले ध्रुव जी वर्मा को
ध्रुव जी कहते प्रभु आपकी भक्तों का संगत हो, बोले क्यों? जब मैं स्वयं तेरे को दर्शन दे दिया तेरे मेरे भक्त संगत क्यों चाहते हो? बोले प्रभु आप तो आपकी कथा नहीं सुनाओगे ना, लेकिन अगर आपकी संतों का संग करूंगा उनकी मुख से जो आपकी कथा रूपी नदी की जो मंदाकिनी नदी बहती है अगर उसमें मैं गोता लगाता रहूंगा ना अपने आप मेरे मन आपकी चरण लगा अपने आप लगा रहेगा। इसलिए हमें आपकी संग नहीं चाहिए, आपकी भक्तों का संग चाहिए। इसलिए बोले संत के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी और अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जाएगी। इसलिए संत के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए बोले बोले प्रभु भगवत दर्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों का दर्शन, भक्त दर्शन। इसलिए जब नारद जी को बोले प्रभु हमारी अमोभाग्य है आज आपका दर्शन मिला, तब उनको उन्होंने प्रश्न करते हैं वहां पर ने 9 प्रश्न में हम आज एक प्रश्न सुनेंगे। इनका प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिले, इनका ये प्रश्न। क्या प्रश्न है? देखो जो शांति है ना ये अनमोल वस्तु, ये अनमोल वस्तु है। अगर तुम्हारे पास में अरब खरब रुपया लेकिन शांति नहीं वो पैसा की कोई मत, तुम्हारे बेटा बेटी दुकान वकान बहुत है लेकिन शांति नहीं उसका कोई महत्व नहीं। अगर 2 रोटी में अगर शांति मिलती है ना, अगर 2 रोटी में अगर शांति तुम्हें मिले ये सबसे बड़ी चीज है। जगत में अनमोल वस्तु क्या है? शांति सुख है। इसलिए इनका यही प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिले। अब ध्यान देकर सुनो इसका क्या आंसर श्री नारद देते हैं। बोले प्रश्न होता है बोले भैया तेरे ये अशांत का कारण क्या है? आप लोग कथा सुन रहे भी नहीं, देखो आप केवल एक एक टॉपिक याद कर लो, आप किसी को भी जाकर कथा सुना सकते हो। हमें भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, किस लिए भक्ति करनी चाहिए और जीवन में शांति कैसे मिलेगी ये नारद इसका आंसर दे रहे हैं। हैं बोले किसको दे रहे हैं, कौन बैठ कर सुन रहे हैं? तेरे के व्यक्ति बैठ कर सुन नहीं रहे, स्वयं जगन्नाथ कृष्ण बैठ कर सुन रहे हैं, स्वयं बलदेव प्रभु सुन रहे हैं, उनकी 16108 कटरानी बैठ कर सुन रही है, वहाँ देवगी वसुदेव बैठ करके सुन रहे हैं। तेरे गेरे व्यक्ति सुन नहीं रहे और जैसे तैसे व्यक्ति इसका आंसर नहीं दे रहे। आंसर कौन दे रहे? नारद जी दे रहे। आंसर श्री नारद ऋषि दे रहे हैं। प्रभु जी इसके अंदर में किसको मत भेजना, प्रभु जी को गेट में खड़े हुए व्यक्ति इसको अंदर में किसको मत भेजो, सबको उधर पीछे भेजो, जो पीछे आ रहे हैं ना उनको पीछे भेजो, वो पीछे जाकर बैठ सकते सर, उनको उधर जाकर भेज दो, आगे किसको मत भेजा करो डिस्टर्ब होगा। इसलिए यहाँ पर प्रश्न है अरे भैया जगत में ये अशांति आया फिर ये दुख आया क्यों? क्योंकि इसका एक कारण है दुख का। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त थे सनातन गोस्वामी, इन्होंने भी यही प्रश्न किया। उनका 2 प्रश्न था, पहला प्रश्न है मैं कौन हूँ, दूसरी प्रश्न है कोई भी दुख को अपना घर में निमंत्रण नहीं देते, लेकिन बगैर निमंत्रण के ये दुख घर में क्यों आता है, उनका भी यही 2 प्रश्न थे। इसका उत्तर में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया कार्य देह संसार आदि। ये दुख का कारण क्या है, हम सबके सब भगवान के संतान हैं, ठाकुर जी का औलाद है, बोले ये दुख क्यों मिल रहे हैं, इसलिए हम ठाकुर जी को भूल गए, भगवान को हमने भूल गए तो भगवान ने किया क्या, ये संसार रूपी ये दुर्गा ने जो दुर्ग बनाया भगवान ने इसी माया के संसार में जाओ तुम दुख कष्ट ना तुम है मेरे को भूल गया ना इसलिए बोले दुख का एक ही कारण है हम लोग ने भगवान को भूल गए, ठाकुर जी को हमने भूल गए, इसलिए ये सारे दुख का मूल कारण है। बोले भैया सुख कैसे मिलेगी, बोले अपना जैसे तुम्हारे पिता अथा संपत्ति करें पिताजी, अगर बेटा अगर पिताजी की बात नहीं सुने तो पिताजी क्या करेगा, बेटे को संपत्ति से निकाल देगा, बोले मेरे संपत्ति में
तुम्हारी कोई अधिकार नहीं। अगर बेटे को अगर ये गलती महसूस हो जाए, बोले भैया आपने ये गलती कर ली, अगर अपना पिताजी के चरण में शरणागत हो जाए, फिर पिताजी क्या बोलेगा, बोले बेटा मैं तो यही चाह रहा था, इसलिए मेरी अथाह संपत्ति है, मैं तो यही सोच रहा था भविष्य में ये सारे संपत्ति के ऊपर मालिक बनेगा, मैं तो यही सोच रहा था, लेकिन तू मेरे बात ही नहीं सुना, इसलिए अच्छी बात है बेटा तू आ जा और तू सारे संपत्ति का मालिक तू ही बन जा। इसलिए महाप्रभु को जो प्रश्न किए, महाप्रभु ने बोले देखो जब हम भगवान को भूल गए तब ये सारे दुखों कष्ट आए, अगर हम अपना गलती को समझ करके अगर फिर ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाए, अपना गलती को माफ कर मांगे ठाकुर जी, फिर गोद में ले लेंगे ठाकुर जी, हमें फिर गोद में ले लेंगे। इसलिए तब उन्होंने जब प्रश्न किया शांति कैसे मिलेगी, बोले देखो जितने दुख कष्ट का कारण है हमने भगवान को हमने भूल गया, ठाकुर जी को हमने भूल गए, इसलिए इसी माया संसार में हमने आ गया। बोले फिर क्या करो, फिर अपना अपराध को माफी मांगते हुए सदगुरु की शरण में चले जाओ, जब तक जीव सदगुरु की शरण में नहीं जाएगा तब तक जीव को शांति सुख नहीं मिलेगी, इसलिए हमें गुरु जी की चरण में शरणागत होनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनु गुरु भवन की तरह न कोई, जो बिरि जी शंकर सम होई, बोले ब्रह्मा शंकर जी के बराबर क्यों नहीं हो जाए, जब तक श्री गुरु जी की शरण में नहीं जाते हैं तब तक जीव का कल्याण नहीं। इसलिए कहते हैं ना गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाए, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए हो। देखो आपको छोटी सी सब कथा सुना कि नहीं, एक समय कोई एक संत किसी घर में कथा कर ले, उसकी घर में एक पिंजरा में एक तोता रहता था, वो संत कथा सुना रहे थे देखो भैया अगर भगवान के नाम को ग्रहण करोगे ना ये भव सागर से तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन ये घर में वो तोता था, वो तोता ने बोलने लग गया, बोले एकदम सफेद झूठ बोल रहे थे, ये झूठ है झूठ है। वो संत ने पूछा भैया तू झूठ झूठ क्यों बोल रहे हो, बोले देखो मेरे को ही देखो ये छोटा सा पिंजरा में मैं रहता हूँ, जो घर में आता है ना सबको मैं राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, और देखो ये छोटा सा पिंजरा से ही मेरी को उद्धार नहीं हुई, और तू तो भव सागर की बात कहते हो ये संपूर्ण झूठ। उसने कहा भैया ये सही बता रहे, ये तो सही बता रहा है, वो आया अपना गुरु जी को ये बात बताया, बोले गुरु जी मैं तुमको घर में कथा सुना रहा था, मैंने जब कहा भगवान के नाम लेने से जीव ये भव सागर से पार हो जाते हैं, वो तोता बोलने लग गया झूठ झूठ झूठ, मैंने जब पूछा तू झूठ क्यों बता रहे, उसने कहा देख मेरे को ही देख ले ये छोटे से पिंजरा से मेरे को मुक्ति नहीं मिली, तू तो भव सागर की बात बहुत बड़ी बात कह रहे हो, बोले चलो मैं तेरे साथ में चलता हूँ जाकर कथा कर। जब उसने कथा की फिर उन्होंने बताया भगवान के नाम लेने से कहते नहीं हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जब उन्होंने ये बात बताए इतने में तोता फिर बोलने लग गया बोले झूठ झूठ झूठ, इतने में उसकी गुरुजी थे बोले भैया तू झूठ झूठ क्यों बोल रहे हो, बोले आप मेरे को देख लो ना माता जी अंदर में बताओ पीछे माता जी को पीछे बैठा दो, ये माता जी अंदर में आने बताओ पीछे बैठो, नहीं नहीं पीछे पीछे ही बैठो, नहीं पीछे बैठो पीछे चले जाओ आप, इधर बताया करो सबके डिस्टर्ब मत करो पीछे चले जाओ पीछे जाकर बैठो। अभी बोले झूठ झूठ बोले, तब उन्होंने गुरु जी बोले भैया तू झूठ झूठ क्यों बोल रहे हो, बोले आप देखो ना मेरे को मेरा अपना अनुभूति को देखो। तब उसने कहा देखो तुम जो नाम कर रहे हो क्या तुमने गुरु जी से नाम ग्रहण किए हो, बोले नहीं, बोले इसलिए तो तेरे को मुक्ति नहीं मिल रही है। तोता ने कहा फिर आप कान में मंत्र दे दो, फिर कान में आप ही मंत्र दे दो, इतने इसे माता हो ना अंदर में कोई दूसरे मत दिया पीछे सबको डिस्टर्ब करते हैं, वहां पर कोई भैया नहीं है जो कि अंदर में पैसा बाद में दे देना पीछे आगे कोई बताओ।
वहां पर कोई एक भैया खड़े हो जाओ, किसी किसी जो माता आती है ना उनको बोलो, वो पीछे जाकर बैठ गई, साथ में किसको लाने को दिया। बस वृंदावन बिहारी लाल जय जय बार बार गोबे आदेश कर रहे हैं कि जो 6 बजे 5:30 बजे आए हुए हैं वो आगे बैठे हुए हैं, बीच में अभी आकर के आगे बैठते हैं, यहाँ जगह मिले वहीं पीछे बैठ जाइए, हैं डिस्टर्ब होता है उसमें, और जो श्रोता सुन रहे हैं उनको भी व्यवधान पैदा होगा तथा पीछे से भी सुनाई दे सकती है। जब आप सिनेमा देखने के लिए जाते हो कब जाते हो? जिम रखो है। जब आप सिनेमा देखने के लिए जाते हो बताओ किस समय जाते हो? आधे में ना लाल में जाते हो? कब कब जाते हो? सो शुरू होने से आधा घंटा पहले जाएंगे, लाइन में लगेंगे, फिर पैसा देंगे, अगर कोई गंदी से गंदी पिक्चर होगा ना अगर नहीं मिलेगा तो लाभ से गलती करेंगे, फिर बैठी बैठी करके नरक का सीधा रास्ता खाली कर पाएंगे। लेकिन एक कथा है भगवान की कथा, जिसमें जीव भव बंधन से मुक्त हो जाए, जिसमें शांति सुख मिले, और वो कथा में कब आएंगे? जब कथा खत्म होने के लिए आएगा ना तब एक एक करके आएंगे। नहीं, कथा सुननी चाहिए हनुमान जैसे। कैसे कथा सुननी चाहिए? हनुमान जैसे कथा सुननी चाहिए। कहीं भी देखना कहीं प्रभु राम की कथा होगा ना, वो तस्वीर हनुमान जी की, सबसे पहले श्री हनुमान की तस्वीर लगा, हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी होकर कथा से पहले बैठते हैं, इसलिए कथा पहले जानी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम। इतने में उसने कहा देखो, इसने कहा देखो तुमने तो नाम ले रहे हो लेकिन तुमने किसी सद्गुरु से नाम ग्रहण नहीं किया, इसलिए तेरे को मुक्ति नहीं मिल रही है। बोले आप ही मेरे को कान में मंत्र दे दो ना। तब वो गुरु जी ने वो तोते को कान में उन्होंने मंत्र दे दिया। जानते हो क्या मंत्र दिया? बोले देख बेटा, जब तक तू राम राम बोलते रहोगे ना तब तक ये पिंजरा से मुक्ति नहीं हो पाओगे। एक काम करना, अभी ये कथा हो रही ना, कथा को बाद में तुम बहाना बनाना, जैसे तुम्हारी शरीर छूट गया, जब शरीर छूट जाएगा फिर तुम्हारी अर्थी निकाली जाएगी, जब तुम्हारी अर्थी निकालेंगे ना फिर तुम हर कर उसको कान में ये मंत्र दे दिया। जब वो साधु ने वहां पर कथा की, जब कथा समाप्त हो गया, वो तोता ने एकदम नाटक की, एकदम मरने का बहाना बनाया। सब लोग बोले भैया धन्य है ये तोता का जीवन, देखो कथा सुनते सुनते ये तोता ने अपना शरीर को त्याग दिया, मतलब ये तोता एकदम मुक्ति सीधा भगवान का धाम में चला गया। चलो ये तोते की हम अर्थी निकालते हैं। अब ये तोते की अर्थी निकाली, बड़े सुंदर फूलों की माला पहना है और उनको अर्थी पिंजरा से निकाल करके जब अर्थी में लेट आया, अब जब उसको ले जा रहे थे ना, इतने में जो तोता फर्र कर उड़ गया, इतने में वो साधु ने पूछा भैया ये बताओ अभी गुरु से मंत्र लेने पर मुक्ति मिलती कि नहीं? बोले हाँ तब भी मुक्ति मिलती है अगर वो नाम को श्री गुरु जी से अगर ग्रहण कर दो, बस फर्र कर उड़ गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अभी प्रश्न है, अरे हम भगवान के नाम किसी साधु से क्यों ग्रहण करें, अपने आप क्यों ग्रहण नहीं करें? तब श्री जीव गोस्वामी एक सुंदर उदाहरण दिया, देखो ये चीज को याद रखना, सब दूसरों को भी कथा सुनाना। वो जीव गोस्वामी इसकी सुंदर एक उदाहरण देते हैं, बोले ऐसे कुछ पेड़ हैं जो पेड़ का बीज को आप डायरेक्ट वृक्ष से लेकर के बोओगे ना, देखना वो वृक्ष नहीं होगा। बोले ऐसे कौन सा वृक्ष है? विशेष करके दो वृक्ष है, एक बरगद का पेड़ और एक पीपल का पेड़। आप कभी भी ये दो पेड़ को किसी वृक्षों को नीचे कभी भी आप नहीं देखो, ये बीज को देखो किसी छत के ऊपर में, नहीं तो किसी पेड़ के ऊपर में देखोगे, हैं? बोले ऐसे क्यों? बोले उसका एक नियम है, जब वो बीज को कोई चिड़िया खा ले उसको पेट में वो बीज जाए, उसका पेट में ऐसे कुछ रस है वो बीज को अंकुर करने में मदद करता है। एक पेड़ होने के लिए 3 चीज चाहिए, पहला नंबर मिट्टी, दूसरा नंबर है पानी,
और तीसरे नंबर में हवा। अगर ये तीन चीज हो ना तभी कोई वृक्ष होगा, नहीं तो वृक्ष नहीं होगा। लेकिन आप देखना ये पीपल का पेड़, बरगद का जो पेड़ है ना, कहीं ऊपर में कहीं मिट्टी नहीं, वो सीमेंट है। सीमेंट आप देखना वहां पर भी ये वृक्ष बन जाता है। आप देखना उसको उखाड़ दो ना, दो बार फिर पेड़ हो जाएगा। कभी कभी देखना ये पीपल पेड़, बरगद पेड़ ऐसे होता है, छत को एकदम फाड़ देता है, इतने ताकत उसमें आ जाती। बोले क्यों? बोले जब वो चिड़िया की पेट में गया, वो चिड़िया ने जब बीट किया उसमें इतने ताकत वो बीट में आ जाती है। तो उसी तरह भगवान का नाम को जब हम किसी शुद्ध साधु से ग्रहण करें, शुद्ध भक्तों से ग्रहण करें, हमारा हृदय निरस होने पर भी, निरस हृदय में भी सरसता कैसे आ जाएगी जब भक्तों का संग करेंगे। इसलिए हर शास्त्र कहता है बिनो सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सोला भन सोई। इसलिए हर शास्त्र कहता है संत की संग करनी चाहिए, भक्तों का संग करनी चाहिए। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं देखो पहले जीव को सद्गुरु की शरण में जा करके भगवत नाम ग्रहण करना पड़ेगा, नाम लेकर के भक्ति करना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ लोग कहते हैं भैया भजन तो बड़ा कठिन चीज है, भक्ति तो बड़ा कठिन बनते हैं। भक्ति सबसे सरल मार्ग है, इससे सरल मार्ग दुनिया में कुछ नहीं। जीवन में कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हो वही करो, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। लेकिन केवल अपना भाव को बदलना और कुछ नहीं, कुछ चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं। केवल हर चीज को भगवान से जोड़ लो, किसी चीज को छोड़ मत। हम जो कुछ करते हैं काय मन और वाक्य से, जो कुछ करते हैं काय मतलब शरीर, वाक्य मतलब वाणी और मन से, सारे काम ये तीन चीज को तरह करते हैं। बोले यही तीन चीज को क्या करो, भगवान के भजन में लगा दो, भक्ति में लगा दो। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, कोई एक व्यक्ति बहुत घी पीता था, उसको घी बहुत ही पसंद था, लेकिन अभी पीते 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 उसका पेट में पतला भी हो रहा है, अभी पेट में हजम नहीं होता, पीते ही पेट पतला हो जाता है, लेकिन उसको घी नहीं छूट रहा है। किसी अच्छे डॉक्टर के पास में गया, बोले भैया मेरा ये प्रॉब्लम है, इतने भी घी नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरे को घी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे कुछ दबा दो जैसे पेट सही हो जाए। बोले देखो मैं तुमको कुछ पुड़िया देता हूँ, घी लो, कुछ उसको रोकने का कोई जरूरत नहीं, घी लो। लेकिन मैं जो पुड़िया दे रहा हूँ ना, पहले जैसे घी को डायरेक्ट तुम पी लेता था इसलिए पेट में अपच होता था, अभी ये घी को तुम पुड़िया में मिला दिया करो, उसमें खट्टा मीठा नमकीन सब चीजें, और उसको बिना नहीं उसको चाट चाट करके खाओ। अभी जब उसको चाट चाट करके खाया, उसमें खट्टा मीठा नमकीन, और उसकी मुँह से लार निकलता है, उसको मुँह से अभी पहले डायरेक्ट पी लेता था ना इसलिए हजम नहीं होता था, अब जब इसको पीता है मुंह से लाल निकलता है, और लाल निकलने पर अभी जब उन्होंने चाट चाट करके खाना शुरू किया, मुंह से उसे लाल निकला, अभी लाल निकला तो जो घी उसको पेट में अपच का काम करता था, फिर वो उल्टा काम करना शुरू कर दिया, वो बचना शुरू कर दिया, बस उसका तबियत सही हो गया, एकदम हेल्थ बड़ा सुंदर हेल्थ हो गया। इसका मतलब है जनरल चला रहे इसलिए अभी उसने पेट में पचना शुरू हो गया। कहते इसका मतलब है, कहते इसका मतलब है, बोले भैया घी खूब पियो, घी मतलब कर्म है, घी मतलब ये कर्म, इसी जीवन में जो कर्म करते हैं उसको भोगने के लिए फिर दूसरे जीवन में जाते हैं, दूसरे जीवन में जो कर्म करते हैं फिर तीसरे जीवन में, हम ऐसे कर्म चक्र में 84 लक्ष जन्म भटक गए।
भटक रहे हैं। लेकिन अभी क्या करो, उसमें पीड़िया कूड़िया मिला दो, कर्म करो, खूब पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ काम होता नहीं। लेकिन पैसा क्यों कमा रहे हो, ये चीज को ध्यान रखो। पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी भगवान की। खूब पैसा कमाओ, लेकिन पैसा क्यों कमा रहे हो, ठाकुर जी की सेवा, नारायण की सेवा के लिए लक्ष्मी को कमा रहे हैं। रोज रोज घर में बढ़िया बढ़िया खाना बना है, रोज रोज शाही पनीर, मटर पनीर, राजमा चावल, बढ़िया चकाचक घर में पिज्जा पास्ता रोज बनाओ। लेकिन भैया खाना क्यों बना रहे हो, बोले भगवान को भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग लग गया, सो गया, लग गया। घर को सुंदर करके सुंदर घर बनाओ, बढ़िया करके, बोले क्यों, बोले ये घर क्या है, बोले भगवान की दरबार है, ठाकुर जी की मंदिर है। और अपना घर में सबसे पहले ठाकुर जी के मंदिर के लिए भी एक स्थान रखो। ऐसे नहीं, मेरे को एक समय किसी भक्त ने कहा, बोले गुरु जी आओ हमारे घर में ठाकुर जी का दर्शन करके जाओ। मैंने सोचा भैया बढ़िया सुंदर जगह ठाकुर को बैठा होगा, जाकर देखा घर का जो रिजेक्ट के स्थान, जो बेकार स्थान ना, वहीं पर ठाकुर जी को बैठा दिया। और खुद के लिए तो इतना बड़ा बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम बना बनाया, लेकिन भगवान को सबसे जो रिजेक्ट स्थान था वो ठाकुर जी को वहीं बैठा दिया। नहीं, ठाकुर ने तुम्हें सब कुछ दिया, पहले अपना रूम बनाने से पहले घर में सबसे पहले सोचो। कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मेरे मंदिर के लिए कोई यदि ईंट देता है ना, उसके लिए गोलोक वृंदावन में राज पहले बनाता हूँ। घर अपना बनाने से पहले घर में देखो, हम ठाकुर जी के लिए सबसे सुंदर बढ़िया स्थान ठाकुर जी के लिए हम रखेंगे, फिर उसको बाद में अपना घर। अपना घर पहले नहीं, पहले किसका घर है, ठाकुर जी का घर। और किसी किसी भक्तों घर में देखा जाकर के स्वयं कर दिन में तीन बार कपड़ा बदला रहे हैं, अपना शरीर को ब्यूटी पार्लर में लेकर सजा रहे, बढ़िया बढ़िया। लेकिन किसी घर में जाकर के देखा ठाकुर जी ऐसे काले पड़ गए, ठाकुर जी आग नहीं, ठाकुर जी एकदम काले पड़ गए, और 15 दिन से 10 दिन से उसने ठाकुर जी का कपड़ा ही नहीं बदला है। बोले नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए, रोज ठाकुर जी को स्नान करा, रोज ठाकुर जी के चरणाम कर लो, ठाकुर जी को रोज, ऐसे नहीं ठाकुर जी के लिए 10 सेट है, बोले जरूरत नहीं। बोले नहीं, जब अपना कोई तिवार आती है, तिथि आती है, भले ही हमारे पास में 100 सेट की साड़ी है, लेकिन देखना एक बढ़िया साड़ी जा करके है, जा करके सबसे पहले अपना भी बढ़िया साड़ी को खरीदी करते हैं। इसलिए कहते उसी तरह अपना लिए कपड़ा खरीदी करने से पहले, अपना बेटे के लिए कपड़ा खरीदी करने से पहले ठाकुर जी के लिए सबसे पहले लो। द्रौपदी ने ठाकुर जी के अंगुल कट गया तो थोड़ी सी साड़ी फाड़ करके उन्होंने बैंडेज कर दिया, ठाकुर जी भरी सभा में लाज उन्होंने बचाया है। इतने सारी ठाकुर जी दिए, 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई, ठीक है ना। सबसे पहले ठाकुर को आप जितने सुंदर सेवा करोगे, ठाकुर को जितने सुंदर सजाओगे ना, देखना खुद उतना सुंदर सज जाओगे, उतना सुंदर तुम सज जाओगे। अगर ठाकुर जी को नहीं सजाओगे ना, अगर खुद तीन बार अपना शरीर को सजा के लाओ, तुम कभी सज नहीं सकते, ठीक है। इसलिए घर में झाड़ू लगाओ, बोले भैया कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, बोले भगवान के दरबार में हम झाड़ू लगा रहे हैं, ठाकुर जी की मंदिर में हम झाड़ू लगा रहे हैं। बस भक्ति, यही भक्ति, भक्ति और कोई कठिन चीज भक्ति नहीं है, तो सोचना भक्ति बहुत कठिन, भक्ति सबसे सरल है, जो कुछ कर रहे हो वही करो, लेकिन उसको ठाकुर जी के भाव में परिवर्तन कर लो। पहले अपना शरीर के लिए, दुनिया के लिए करते थे, अभी वो सारे चीज को किसके लिए करो, भगवान के लिए। नारद जी एक बात विशेष बात कह रहे हैं, लेकिन ये जो भावना हृदय में कब आई, ये हृदय में हमारी भावना कब जगेगी, किसने ये भाव को भरेगी, बोले ये साधु लोग ही भर सकते हैं। इसलिए बोले संत के संग लागी रहते ही अच्छी बने। जैसे देखो यहाँ पर कुछ भक्त लोग, जो लोग हरिनाम लिए, माला लिए, जब जब मैं आता हूँ देखता हूँ गले में गड्ढी नहीं, बोले भैया तुम्हारी गड्ढी कहाँ गई, लेकिन सोने की चैन पहन रहे, बोले ये टूट गई। मैंने कहा कि यार सोने की चैन तुम्हारी टूटी नहीं, तो बोले तुलसी माला तुम्हारी टूट गई, तिलक नहीं, बोले माला करती हो, बोले कभी कभी माला कर लेती, बोले कितना बार दिन में खाना खाती हो, बोले चार बार खाना खाती हो, बोले माला है, बोले एक बार में माला नहीं करती, नहीं ऐसे नहीं होती चाहिए। इसलिए मैं देखता हूँ
यहाँ पर कुछ भक्त लोग आते हैं कंटिन्यू कथा में आते हैं, जब हम आते हैं तभी आते हैं। हम देखा कुछ भक्तों को रोज तिलक लगाते हैं, कोई कोई भक्त तो मैंने देखा 16-16 माला, 32-32 माला, उसमें कभी कभी 64-64 हमें गंगा जी यहाँ बैठी, और कुछ कुछ माताएं वो दीदी कुछ माताएं जो जरूर आती है रोज क्लास में, उनको पूछो कितने कितने माला जाती, बोले क्यों, चूंकि वो आ रही है सत्संग में, सत्संग में आ रही है, कथा सुनने के लिए आ रही है, इसलिए बोले जैसे कि तांबला है उसमें पौधा लगाए, अगर उसमें पानी नहीं दोगे तो कब तक वो जिंदा रहेगा, दो दिन बाद में खत्म हो जाएगी पौधा। इसलिए कहते जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे, कथा सुनना मतलब पौधा में पानी देना, फिर तो वो कल्पना तुम्हें पड़ेगी और एक दिन बोलो तो वृंदावन में पहुंच जाएंगे ठाकुर को। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं गुरु जी को मंत्र रूपी बीज को दे दिया, लेकिन उसमें पानी देना हमें पड़ेगा कंटिन्यू। पानी मतलब है भक्तों की संग करना पड़ेगा, मठ में आना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा, तंत्र जा करके माला में तुम्हारी रुचि होगी, नहीं तो माला में रुचि नहीं होगी तुम्हारी। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब गुरुदेव हमें ये माला देते हैं, ये माला नहीं, ये साक्षात भगवान को हमें दिए, साक्षात ठाकुर जी हमें दिए। इसलिए कहते हरिनाम ग्रहण करना और भगवान से मिलना वो एक ही बात है। अगर एक दिन ध्यान देकर समय सबके सब जैसे एक दिन अगर हमने माला जप नहीं की, समझो जैसे एक दिन अगर हम अपना कपड़ा नहीं बदलाए, स्नान नहीं करे, खाना नहीं खाए, अच्छा लगेगा आपको? कहते एक दिन माला नहीं किया मतलब आज सारा दिन ठाकुर जी भूखे रहे, भगवान को स्नान नहीं कराया, ठाकुर जी को भोजन नहीं कराया। बोले क्यों? बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, ये नाम नहीं है भगवान स्वयं है। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर जी दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे। जब वृद्ध हो गए, शरीर छोड़ने वाले, अंतिम सज्जा में लेटे हुए, चैतन्य महाप्रभु उनके लिए रोज रोज प्रसाद लेके काम करते। जब उनको प्रसाद देने के लिए गए, वो कहते हैं प्रभु जी आज मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले आज मेरी जो 3 लाख हरिनाम करता था, आज मैंने अपना हरिनाम नहीं पूरी कर पाई, इसलिए आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। महाप्रभु बोले अभी तुम शरीर छोड़ने वाले बूढ़े हो गए हो, थोड़ा तो कम हरिनाम करो। देखो संत क्या कहता है, बोले प्रभु हमारा शरीर तो चंगा नहीं, लेकिन जो मन है ना ये बड़ा असुस्त है, ये बड़ा मन बड़ा दुर्बल है, हैं? वो हमको शिक्षा देते हैं हमारा शरीर तो अच्छा है लेकिन जो मन है ना ये बड़ा दुष्ट है। हर काम के लिए ये मन तैयार बैठता है, शादी के लिए पहले से तैयार बैठेगा, कौन सा साड़ी पहन करके मेकअप करके, कौन सा जूता पूरा मैचिंग का पहले तैयार बैठ रहेगी जाने के लिए, हैं? कोई इधर उधर काम कर लेकिन जब भजन का बात बताओ ना वो हजार बहानाबाजी की मन करता है। इसलिए हमारे जो गुरु जी थे वो कहते थे सवेरे उठो और अपना जूती लो, जूती लेकर के मन को 100 बार पीटो, मतलब ये मन को समझाओ बेटा आज सारा दिन भगवत स्मरण करना, ठाकुर जी के नाम जप करना, रोज गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, थोड़ी सी भगवान की भजन थोड़ी थोड़ी करना, इसलिए मन को समझाओ। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं जो भक्ति कठिन नहीं है, भक्ति बड़े सरल मार्ग है, जो कुछ कर रहे हो वही करो, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, लेकिन जो कुछ कर ठाकुर जी के लिए करो, भगवान के चरण में वो चीज को लगा दो, यही भक्ति भक्ति और कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है, भक्ति यही है। लेकिन विशेष करके कलयुग में भगवान के नाम के ऊपर में ज्यादा जोर देनी चाहिए, इसलिए बोले भगवान की नाम को हमें जप करनी चाहिए, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले कली युग के बल नाम आधारा, कली युग के बल नाम आधारा, कली युग के बल नाम आधारा, कली युग के बल नाम आधारा।
और थोड़ी दूर गए आपको हीरे जवाहरात बिखर कर मिला।
फिर क्या करोगे? 2000 रुपया तो फेंको भी, जब हीरे जवाहरात तो मिल रहे हैं, 2000 की क्या जरूरत? फिर हीरे जवाहरात तो भरोगे प्यार खाली में। लेकिन और जब थोड़ी दूर गए ना, एक का नाम होता है पारस बकर, नाम सुने हो, जो लोहे को भी सोना बना दे, ये पारस बकर। फिर आपको पारस पत्थर मिला, फिर क्या करोगे? फिर उसको भी फेंकेंगे, पारस पत्थर लोगे। बोले क्यों? बोले लोहे का और कितना कीमत है, लाओ और उसमें स्पर्श कराओ, सोना बनती जाएगी। उसको भी फेंकोगे। लेकिन और थोड़ी दूर गई ना, जब एक मणि का नाम है स्यमंत तक मणि, भागवत में आती है। ये सूर्य देवता ने 17 जीत को दिया था, जो सत्यभामा जी की बेटी है। ये जो स्यमंत तक मणि की विशेषत्व है, वो उसमें ही सोने अष्टभार सुवर्ण, सोने की चट्टान अपने आप निकलता है, सोना सोना निकलता है अपने आप। फिर क्या करोगे? जब ये पारस पत्थर को फेंकेंगे, बोले क्यों? लोहे लाओ, स्पर्श कराओ, फिर सोना बनेगा। लेकिन इससे तो सोना अपने आप सब निकल रहा है। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, बोले उससे भी कीमती चीज मिला, जानते उससे भी कीमती चीज क्या? भागवत उसका संदेश देता है। बोले नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, भागवत कह रहा है। बोले भगवान उसका नाम है चिंतामणि। बोले चिंतामणि का मतलब क्या? बोले जो चिंता करोगे वही मिलेगा। लेकिन ये जो स्यमंत का मणि, ये केवल सोना ही देगा। अगर इच्छा हो आज बढ़िया बढ़िया खाने का, नहीं देगा। बढ़िया बढ़िया पहनने का, नहीं देगा। ऐसी घर को नहीं देगा, वो केवल सोना ही देगा। लेकिन चिंतामणि, जो चिंता करो वही मिलेगा। ये जो भगवान के नाम, ये चिंतामणि, जो मांगोगे वही मिलेगा। आप बताओ हनुमान जी क्या पैसा कमाते हैं? जो मांगो हनुमान को रिद्धि सिद्धि वैभव कैसे देते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुमिरी पवन सुत पावन नामो आपन बस करे राखे रामो। केवल प्रभु का नाम जप करते करते हनुमान की भगवान को वशीभूत कर दिया। ये शंकर जी को जो मांगो शंकर जी भी दे देते हैं। बोले क्या शंकर कमाई करते हैं? बोले कहाँ से लाते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, महामंत्र जयी जपत महेशा काशी मुकुति हेतु पदेशा। केवल भगवान की नाम जप करते करते श्री शंकर जी सब कुछ देते हैं। देवी मैया को जो कुछ मांगो वही देते हैं। बोले कहाँ से देते हैं? कहाँ से देते हैं? इसलिए जो भगवान की जो विष्णु सहस्र नाम है, मैं बताए, बोले राम रामेति रमेति रम रमे मन रमे सहस्र नामा विस्तुल्यम श्री राम नाम वराणे। माता पार्वती का 8 हाथ देखना, एक हाथ में ना एक माला है। माँ पार्वती भी माला जप करती है। अब ब्रह्मा जी की 4 हाथ देखना, एक हाथ में माला है। अब सरस्वती की 4 हाथ देखना, एक माला जप करती है। गणेश जी सब कुछ सिद्धि गणेश से प्रदान करता है। बोले कहाँ से? गोस्वामी जी कहते हैं, महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजी तर नाम प्रभाव। केवल नाम की प्रभाव से ही गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है, सब कुछ प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान की जो नाम है, ये चिंतामणि, जो मांगो को वही मिलेगा। आप बोलोगे भैया तब हमारी इच्छा क्यों पूरी नहीं होती? हम भी तो भगवान के नाम जप करते हैं। बोले जैसे जप करनी चाहिए तुम वैसे नहीं कर रहे हो। इसलिए नाम जप करने के लिए बताया 10 नियम पालन करनी चाहिए। पहला नियम है, किसी साधु संतों को कभी निंदा मत करो। कभी भी किसी साधु संतों को निंदा मत करो। दूसरा जो नियम है, अपना गुरु जी के प्रति कभी अपमानना नहीं हो, गुरु जी के प्रति कभी नेग्लेक्ट भाव नहीं हो। तीसरा जो अपराध है, ये शरीर का प्रति मैं मेरा भाव को त्याग दो। चौथा अपराध है, भगवान के नाम को साधारण पुण्य कर्म को बराबर मत मानो। अरे भागवत जी का नाम जैसे दूसरा पुण्य भी नहीं, हरि से बड़ा हरि का नाम है। पंचमा नियम है, भगवान के नाम की जो महिमा बताई गई उसको मत समझो। अरे बड़ा चढ़ा करके ये बात बता दिया, नहीं ये बात। इसलिए 10 तरह का नियम बताया। अगर ये 10 तरह का नियम का पालन करते हुए हरिनाम करो
आप जो कुछ उनके हरि नाम से मांगोगे हरि नाम तुम्हें वही प्रदान करेगा। लेकिन श्री रूप गोस्वामी कहते हैं लेकिन भगवान के नाम में हमारी रुचि नहीं होता है। देखना टीवी में कोई सीरियल आता होगा ना, तीन तीन घंटा आप कार पार्टी बैठ रहे थे, लेकिन किसको बोले एक माला तो मन ही नहीं करेगा, मन में छटपट छटपट हंसने लग जाएगी, ये माला कब पूरी होगी, अभी माला पूरी नहीं हो रही। नहीं, ऐसे नहीं, हरि नाम को एक मन से जप करना पड़ेगा। तब एक सुंदर उदाहरण देकर समझा, देखो ये चीज को समझो, आज अंतिम कथा है इसलिए ये चीज को समझो। जैसे मिश्री, आप लोग मिश्री खाए हो, कौन कौन मिश्री खाए हाथ उधर, आप बता मिश्री खाने में मीठा लगता है ना कड़वा लगती है, मीठा। लेकिन ये मिश्री किस किस को कड़वा भी लगता है आप बता सकते हो, मिश्री किसको कड़वा लगी, जिसको पीलिया होगा, जिसको जंडिस का बीमारी, जिसको पीलिया की बीमारी होना। देखना जो कुछ खाए मिश्री भी खाए, मिश्री का मीठा, लेकिन उसको मिश्री मीठा नहीं लगेगा, उसको कड़वा लगेगा। बोले क्यों, उसको जंडिस है क्या। तो उसी तरह भगवान के नाम मीठे से भी मीठा, भगवान के नाम शंकर जी कहते पंच मुख राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंच मुख में हर समय भगवान के नाम जप करते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं, उससे मीठा दुनिया में कुछ नहीं। लेकिन अभी हमें क्यों मीठा नहीं लग रहा है, कारण ही हमारी पूर्व जन्म की पाप है, पूर्व जन्म की ये पाप है, इसलिए भगवान के नाम मीठा नहीं लगता। फिर क्या करनी चाहिए, तब उसको उपाय बताए। पहले डॉक्टर लोग क्या करते थे, जिसको जंडिस की बीमारी होती थी बोले बेटा मिश्री चूसा करना, लेकिन मिश्री तुम्हें मीठा नहीं लगेगी, लगेगी कड़ुई, लेकिन कड़ुई लगने पर भी जोर जबरदस्ती चूसते रहना, चूसते चूसते जब तुम्हारी ये बीमारी सही हो जाएगी फिर मिश्री इतना मीठा लगेगी, फिर मिश्री तुमसे छुटेगी, मिश्री तुम्हें छुटेगी नहीं। क्योंकि उसी तरह भगवान के नाम अभी हमें अच्छी नहीं लगेगी, क्यों, हमारे पाप है, पूर्व जन्म में मैंने पाप कर्म करके आए, इसलिए भगवत नाम हमें अच्छी नहीं लगती है। फिर क्या करो, मन नहीं लगने पर वो संत कहते बैठो, ये मन को समझाओ, बैठो, बैठ करके माला लो, माला लेकर के भगवान के नाम आदर से प्रेम से भगवान के नाम जप करो। एक बार हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। भगवान के नाम जप कर, करते करते क्या होगा, धीरे धीरे पाप खत्म होते जाएंगे, पाप तुम्हारी खत्म होती जाएगी। फिर भगवान के नाम में इतना मीठा इतने मीठा लगेगा, फिर से नाम तुमसे छूटेगा नहीं, भले ही सारा दुनिया तुमसे छूट जाएगी लेकिन भगवान के नाम तुमसे नहीं छूटेगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, हृदय द्रवीभूत होने लग जाएगी, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाएगी, फिर भगवान की लीला तुम्हारे हृदय में धीरे धीरे धीरे, जैसे टीवी में सीरियल देखती है ना, ऐसे हृदय में भी भगवान की लीला को दर्शन मिलेगा। फिर तो प्रभु की भजन में संपूर्ण डूब जाओगे। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं हे वसुदेव महाराज हे कृष्ण, तभी ये आत्मा को परम शांति मिलेगी जब ये भगवान का नाम को तुमने अपना जीवन का सर्वस्व बनाओगे, तभी जीवन में परम शांति मिलेगी। देखो हर साल में एक कथा सुनाता हूँ, चार ही भोगों की मैं कथा सुनाता हूँ, किसको याद है हाथ उठा तो, किसको याद है वो चार ही भोगों की कथा, किसको याद है, कोई हाथ उठा सकते हो, किसको याद है बोलो, किसको याद नहीं है भगवान, ये हर साल में साल में मैं दो दो बार सुनाता हूँ तभी आप याद नहीं, किसको याद है हाथ उठाओ, इनको तो सब याद याद है कथा सुनते हैं इसलिए, और किसको याद है चार ही भोगों की कथा, और कौन सुना सकते हैं ये भगवान, सबके सब हर साल भूल जाते हैं, याद है नहीं, याद नहीं है,
और उसको याद है। हाँ देखो और एक बार सुना देता हूँ कि हमारे श्री रविंद्र लोग अभी अब अनाउंसमेंट करना वाला नहीं है, सो चार लीटर के लाए उन लोग लेकर लास्ट में अब अनाउंसमेंट। हाँ देखो फिर दो बार उसको सुना देता हूँ जल्दी जल्दी। अब ये कथा भी याद कर लेना, आप किसी को भी ये कथा सुनाओगे ना उसका मन भगवान के भजन में लग जाएगा। बड़े मैं इसी कथा से कितने लोगों को मैंने भक्त बनाया जो सोच नहीं सकते हो। और ये कथा इतनी जोर जबरदस्ती कथा है, जो सुन लेता है ना उसका मन अपने आप गुरु का भजन में लग जाता है। अभी ध्यान देकर सुना। और हम चाहते हैं कि कथा को याद करते हुए आप अपना भक्तों को भी अपना परिचित लोगों को भी कथा सुनाना, ठीक है। बोले कोई एक राजा था, कहते राजा के चार रानियां थी। कितना रानियां थी? कहते चार रानियों में जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, चार रानियों में देखने में सबसे सुंदर थी, इसलिए राजा जब नगर घूमने जाता था वो रानी को रथ में बैठा करके बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए दुनिया को दिखाता था, देखो ये रानी मेरी कितने प्यारी कितने सुंदरी। जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बड़ी बात को बना बना बनकर के मीठी मीठी बात बोलती थी, इसलिए राजा जब महल में आता था वो चौथी नंबर रानी को पास में बैठ करके उसकी मीठी मीठी कथा सुनता था और मन की बात केवल इसको बोलता था। लेकिन जो चौथी नंबर की रानी थी है तो बड़ी प्यारी अच्छी, लेकिन जब से उसको घर में शादी करके लाए सब से उसको साथ में कोई मतलब नहीं रखा। कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में सारी साबुन तेल है कि नहीं, वो बड़ी दुखी रहती थी। अभी राजा का अंतिम समय आया शरीर छोड़ने का, मृत्यु की समय आया। अभी राजा की जो सबसे जो बड़ी रानी थी तो उसने पूछा तू मेरे साथ में चलोगी? अब बताओ सबसे बड़ी रानी कौन थी? इतने जल्दी भूल गए हो, पर याद कैसे रखो? राजा की सबसे बड़ी रानी कौन थी? इतने जल्दी कथा भूल गए, कौन थी सबसे बड़ी रानी? अरे बताओ कौन सबसे बड़ी रानी थी? राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था। इतने जल्दी कथा भूल जाते हो? राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था और जिसकी मन पसंद चीज को ला ला कर उसको देकर खुश रखता था। मृत्यु साथ में चलोगी? बोले तेरे साथ में नहीं चल सकती, एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों? मैंने जो तेरे लिए इतना किया, बोले तुम्हारी कर्तव्य था, बोले तेरी बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरी पति नहीं। राजा को तो बड़ा कष्ट मिला, सोच रहा था जिसको सबसे ज्यादा प्रेम कर रहा हूँ साथ वही साथ देगी, वो सबसे ज्यादा धोखे देने वाली निकली। दूसरी वाली से पूछी बोले तू साथ में चलोगी? दूसरी वाली कौन थी? कौन थी? जो सबसे सुंदर थी। राजा जिसको सुंदर श्रृंगार करके दुनिया को दिखाया करता था, बोले तू साथ में चलोगी? बोले मैं चलूंगी, मैं तो देख रही हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगी? बोले देख मैं कितनी सुंदरी, जहाँ जाऊंगी वही मेरे को पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी। राजा का तो और दुख मिला। अभी तीसरी नंबर से पूछा, तीसरी नंबर कौन थी? जो मीठा मीठा बोली बोलती थी, राजा जिसको सुनकर खुश होता था, मन की बात बोलता था। बोले तू चलोगी? वो थोड़ी अच्छी निकली। बोले हाँ चलूंगी, लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजे तक चलना कोई चलना है? बोले अगर ज्यादा बोलोगे ना आगे तो चार कदम बढ़ सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ में नहीं चलूंगी। बोले भैया तुम भी कुछ, तुम भी किसी काम की नहीं, दरवाजे तक चलना कोई चलना कहते हैं? बोले भैया वही तक तो मैं चल सकती हूँ। अभी उन्होंने चौथी नंबर से पूछा, चौथी नंबर कौन थी? चौथी नंबर जिसको राजा जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करके रखा, बेकार किसी काम की नहीं, कचड़ा कूड़े कचड़ा जैसा फेंक रखा। लेकिन राजा जब उसको पूछा साथ में चलोगी, केवल वही राजी होती है चलने के लिए। बोले राजा तेरे को मैं दिल से प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात है एक बार तो मेरे तरफ में झांक करके भी नहीं देखा, लोग खातिर से कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में सारी साबुन तेल है कि नहीं, भले ही तुमने जो कुछ किया मेरे प्रति, लेकिन मैं प्रेम करती हूँ तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी और दुख में दुखी रहूंगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा, जिनके लिए जिंदगी भर किया वही जाने के लिए तैयार नहीं, और जिसके लिए किया नहीं वही जाने के लिए तैयार। देखो ये हमारी जीवन की सच्चाई है,
ये सच्चाई कथा है। अभी ध्यान देकर सुना और कोशिश कर इसकी जो तात्पर्य को जीवन में उतारने के लिए। सबसे बड़ी रानी मतलब है, अभी हम जीवन में जिसको सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, वो जिस चीज की मांग कर रही है, भले ही हमें चोरी बेईमानी गुंडागिर्दी क्यों करना नहीं पड़े, उसी समय में उसको इच्छा को हम पूरी कर रहे हैं। लेकिन अंतिम समय में वो हमारी साथ नहीं देगी, सबसे धोखा देगी। कहते ये कौन है? शरीर। ये कौन है जो पीछे बैठे? बोलो शरीर। कौन है बताओ? ये जीवन में सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? शरीर को। कहते हम अपनी आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अपनी ये जगत में प्रेम नहीं है, हमें जो प्रेम दिख रहा है ना, हमें जो प्रेम दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि तुमसे कुछ मिल रहा है। वो मिलना बंद कर दो, झट बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किया है। दुनिया के लिए जिंदगी भर करो। आप बताओ अभी तक जिंदगी के लिए दूसरे के लिए कर रहे हैं, अभी तक दुनिया में किसी को खुश कर पाए हो? कोई किसी को अभी तक जिंदगी में खुश कर पाए हैं? लेकिन जगत में ना हम बड़े धोखे में। क्या धोखे में जानते हो? अमुक व्यक्ति हमें बहुत प्रेम करते हैं, बोले भैया तुमको प्रेम नहीं करते हैं। बोले कब तक प्रेम करेंगे? कहते ना आप कैसे हो? बोले जब तक जेब में पैसा हो। पैसा घर आप कैसे नहीं, तुम कौन हो? ये दुनिया कितने स्वार्थ पर है, हैं? अरे हम प्रेम किसको कर रहे हैं? और ये शरीर को हम प्रेम कर रहे हैं। ये शरीर जिस समय जो मांग करती है, बोले ब्यूटी पार्लर में चलोगे सजने के लिए? बोले चलो सज भाई। बोले ऐसे साड़ी पहनोगे? बोले दुकान में साड़ी खरीद ले जाए। बोले गोल गप्पे खाओगे तो अमुक जगह पर बड़ी सुंदर गोल गप्पे, चलो वहीं पर खिलाएंगे, हैं? आप देखना ये शरीर जब जिस चीज मांग करती है ना, हम उसको ला ला करके देते हैं। लेकिन लास्ट में जब पूछा साथ में चलोगी, कभी जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा खड़ा रह जाएगा। जब वो हंसा उड़ करके चले जाए, जिस शरीर को तुमने चमनप्रास सोने की भस्म खिलाए, जीव में लेकर कितने तुमने शरीर को बढ़िया बना ले, ये शरीर साथ नहीं देती। दूसरी नंबर जो सबसे सुंदरी प्रॉपर्टी है, जो सबसे सुंदरी थी, कहते सबसे सुंदरी कौन है? देखना पाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया ही सबसे सुंदरी, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ नहीं होता है। आपको पता होगा कितने कष्ट करके पैसा कमाते हैं। पैसा से पूछे साथ में चलोगी? बोले चलूंगी क्या, मैं देख रही हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगा। मतलब क्या है? आज पैसे हमारा पास में, देखना बच्चों का कहाँ नजर रहता है, पिताजी की कितना प्रॉपर्टी कहाँ पर, कितने दुकान वकान कहाँ पर, कितने एटीएम में कार्ड में कहाँ कहाँ पर पैसा। सबसे पहले नजर को ही रहती है नजर। मैं अपना गाँव में देखा, हमारा गाँव में जो सबसे ज्यादा पैसा वाला था, मैं स्वयं देखा, जब उसको पिताजी की सर्जरी छोड़ दिए, उनकी पांच बेटे थे, बच्चे में लड़ाई झगड़ा डंडाबाजी कर रहे थे। वो एक बेटा कह रहा था कि लाश को जो हाथ देखा डंडे से मार डालूंगा। बोले क्यों? बोले ये डोकरा ने दूसरों को, उसी बेटे को ज्यादा पैसा दिया, मेरे को कम पैसा दिया, पहले ये प्रॉपर्टी बंटवारा हो जाए फिर हाथ लगाना। वो डंडा लेकर खड़े हो गए, हाथ पैर तोड़ दूंगा, पहले सारे प्रॉपर्टी को बंटवारा हो जाए फिर हाथ लगा। इसलिए वो कहती है मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। मतलब शरीर छोड़ते ही ये पैसा दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए कहती भैया दूसरे से मैं शादी कर लूंगी, तेरे साथ में नहीं जाऊंगी। देखो मेरी गुरु जी कहते थे किसको बोला थोड़ा माला जप करने के लिए ना, बोले समय कहाँ है। बोले क्यों? बोले बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा करके रख करके जाओ। देखो हमारे गुरु जी कहते थे बोले बच्चों के लिए ज्यादा पैसा मत कमाओ, मना करते थे। क्यों? बोले बच्चा अगर होनार होगा तो कमा ही लेगा, और जिस पिता जितने ज्यादा पैसा कमा करके जाते हैं, बेटा उतना नालायक दुष्ट शराबी और गर्जरी घंटे आप देख लेना। इसलिए ये हमारे गुरु जी की बात क्या है, बेटा परमार्थ को कमा करके जाओ, भगवान के नाम जप करो, जो जीवन में तुम्हारी काम में आएगा वो ऐसे के धन है। तुम कमाएगा, पिता कमाएगा तो बच्चा नहीं ले सकता, बच्चा कमाएगा तो पिता नहीं ले सकता, जो कमाएगा केवल वही मालिक बनेगा और अगले जीवन में दीन दीन बढ़त सवाल। ये हमारे गुरु जी बात को कहा करते थे। इसलिए वो पैसा दूसरों के नाम पर चली जाती है, हैं? अभी तीसरी पत्नी आई जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, उनकी बात बोलता था, हैं? तब उन्होंने पूछे भैया साथ में चलोगी?
ये कौन है परिवार वाले जिनको साथ में बैठ करके मन की बात कहते हैं, दुख सुख की बात कहते हैं। सबसे पहले पत्नी का नंबर आई, पत्नी से जब पूछा बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चल सकती हूँ, बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तो बढ़ूंगी लेकिन आगे नहीं चलूंगी। परिवार वालों से पूछा चलोगे, बोले क्यों नहीं तेरे लिए बढ़िया आरती सजा और राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, बोले कहाँ, बोले संसार तक ले जाएंगे, वहीं पर जला करके टा टा करते करते वहीं से वापस आ जाएंगे, बोले आगे और नहीं चल सकते। अभी तक ध्यान देकर सुना। चौथी नंबर है राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा, जीवन में बेकार मान करके रखा, कभी पूछा भी नहीं, सारी साबुन तेल एक नहीं, लेकिन जब अंतिम समय में उससे पूछा तो बोले वही साथ देने के लिए राजी हुई। यदि ये चौथी नंबर कौन है जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बल्कि भगवान की भक्ति और भगवान के नाम है। किसी व्यक्ति को बोलो ना थोड़ा माला जप करो, बोले समय कहाँ है, बोले समय कहाँ है माला जप करने के लिए, कोई समय नहीं, लेकिन टीवी देखने के लिए समय, गप्पे मारने के लिए समय, चुगली करने के लिए समय, इतना सारे काम के लिए समय तो निकालेगा, लेकिन जब भगवान के नाम की बात बोलोगे ना बोले समय कहाँ है। लेकिन अंतिम समय में जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे क्या बोलते बोलते राम नाम सत्य है, क्या क्या बोलते हैं, गोपाल नाम सत्य है, यही बोलते ना राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते हैं ना। बोले बेटा जितने तुमने राम का नाम लिए हो, जितने तुमने हरि का नाम लिए हो, अभी तेरे साथ वही जा रहा है, और तुमने जो कुछ किया है सब झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ यहाँ नहीं जा रही, सब तुम यही छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बोले वस्तु अमोल को दी मरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बोले जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब ही खोवायो, पायो जी मैंने, बोले चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे, दीन दीन बड़त ये धन को कोई नहीं ले सकते है, अगर पिता कमाएगा तो उसको पत्नी नहीं ले सकते है, बच्चे कमाएगा तो पिता नहीं ले सकते है, जो कमाएगा केवल वही उसकी मालिक बनेगा, और अगले जीवन में ब्याज समेत तुम्हें मिलेगी, ब्याज समेत तुम्हें मिलेगी, वो एक से एक फायदे है, ठीक है ना। देखो हमारे गुरु जी कहते थे जैसे मानो आप जगन्नाथ पुरी जाओ, तो अभी जगन्नाथ की रथ यात्रा है ना, हमारे प्रभु जी बोल रहे थे जो व्यक्ति जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जाना चाहते हो आप लोगों को पहले नाम दे देना, हमारे श्रीकांत प्रभु जी को पहले से टिकट नहीं बनाओगे ना फिर जा नहीं सकते, इसलिए आप जो जगन्नाथ पुरी जाना चाहते हो प्रभु जी का अपना नाम दे देना, वो पहले से टिकट बना लेंगे। जैसे आप जगन्नाथ पुरी जाओगे, जगन्नाथ पुरी जाओगे माना 10 दिन के लिए यात्रा करोगे, आप देखना सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारे पास में ऐसे कौन सा वस्तु हो यात्रा करते समय हम बड़े खुश होकर जाएंगे, आप बता सकते हो, पैसा, पैसा हमारे पास में ऐसे कौन सा वस्तु हो, भले ही कोई चीज नहीं केवल एक चीज तुम्हारे पास में, अगर वो ना बड़े आनंदपूर्वक होकर यात्रा करोगे, पैसा, कपड़ा नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, पॉकेट गर्म है, पैसा जेब में, जाओगे बढ़िया कपड़ा खरीदी करेंगे, बढ़िया होटल में रहेंगे, खाएंगे, क्यों, पॉकेट में पैसा। देखो केवल 10 दिन के लिए यात्रा कर रहे हैं, पहले तैयारी करते कि नहीं, लेकिन हमें सबको एक यात्रा करना पड़ेगा, सबका जो अंतिम यात्रा है सबको करना ही है, कोई नहीं बोल सकता है वो यात्रा हमें नहीं करेंगे, और वो यात्रा कब करेंगे कोई पता नहीं, अभी भी हो सकती है, हमने जो श्वास छोड़े दूसरे बार श्वास ले पाओगे कोई बता सकता है नहीं, वो यात्रा किसी समय भी तुम्हें करना पड़ जाएगी, लेकिन उसी समय में हमारा पास में ऐसे कौन सा धन हो जो हमारी साथ साथ चलेगी और बढ़िया से हम यात्रा करेंगे, इसको श्री कबीर कहते हैं, ये कबीर दास कहते हैं जगत में मरने के लिए सब डरते हैं लेकिन मेरे कोई डर भाई नहीं, बोले क्यों, बोले जिंदगी भर प्रभु का भजन कर रहा हूँ ना, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, इसलिए कब मरिए कब भेटिए परमानंद, प्रभु का भजन कर रहा हूँ, ये पूरा के पूरा ये माल हमारे साथ में जाएगा, ये माल हमारे साथ में जाएगी,
इसलिए हमें कोई डर भय नहीं, हमारे लिए तो वीआईपी व्यवस्था होगी, कैलाश आएगा और गोलोक वृंदावन सीधा जाएगा, ये कबीर कह रहे हैं। मतलब जीवन में अगर प्रभु का भजन माला जब कर रहे हो ना, ये ऐसे के भय नहीं, कहते हैं ना बिना कहते ना ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली राम नाम तेरे लगोनी, मैं बिन राहू गली गली, जिन जिन ने ये मोती लूटे तो सो संभाला हाल होए, और माया के जो बहने पुजारी एक दिन हो कंगाल होए। इसलिए सवेरे नहा धो करके भगवान के थोड़ी समय दो, थोड़ी सी ठाकुर जी की माला जप करो, ठीक है ना, माला जप करोगे नहीं। और जो लोग पहले माला लिए हो, हमने देखा कुछ कुछ भक्त है गले में कट्ठी उतर गई, दिल गई नहीं, माला जब करते बोले कभी कभी करता कभी कभी नहीं। खाने से पहले जब गुरु जी से हरिनाम हमने लिया है, सख्या भगवान हमारे पास में आए, खाने से पहले कुछ माला करके खा, दिन में जब गुरु शुद्ध होता है गंदी गंदी उल्टा सी चीज में मन नहीं लगा करके भगवान के नाम जप करो, यही धरी जीवन में, इसी जीवन में भी सुखी रहेंगे और जन्म जन्मांतर में तो सुखी सुखी आनंद आनंद रहेंगे। इसलिए गले में कंठी अध्यास देकर सुनो, जो लोगों ने माला लिए गले में कंठी उतर जाने पर जब तक दो बार गले में कंठी नहीं पहन ले तब तक गुरु जी कहते थे पानी पीना भी पाप में लगे, क्योंकि हम जो कुछ पीते हैं देखो ये कंठी गले में है, उसको टच करते हुए अंदर में जाता है पवित्र होकर के, जब कोई बाणी बोलते हैं वो पवित्र बन करके निकलती। गुरु जी कहते थे कंठी अगर टूट गई उसको छटाछट दूसरे धागा में खोलो, खो करके फिर गले में पहन करके पानी पियो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा, ठीक है ना। और गले में कंठी पहनना, हरिनाम ठीक से करना, जो जो लोगों ने हरि मंत्र लिया है मंत्र को ठीक ठीक से करना, तिलक लगाए करना, देखो पक्की भक्त तो कौन है, जो व्यक्ति गले में कट्टी है तिलक लगा रहे हैं वो माला जप कर रहे हैं, ये जो व्यक्ति कर रहे हो ना समझो वो पक्की भक्त है, और जो नहीं कर रहे हो फिर समझो डामाडोल हैं, डामाडोल भक्त है। इसलिए कच्चा नहीं बननी चाहिए, पक्की चली चला चली बनना तो पक्के चला चली बनो, कच्चे दिखाने के लिए दूसरों को नहीं दिखाना, तो ठाकुर को दिखाओ, दुनिया को नहीं ठाकुर जी को दिखाओ। इसलिए गले में कंठी तिलक माला होनी चाहिए, ठीक है ना। सबका संयम भी तो पूर्वक भजन करना। अभी हमारे श्री नवदीप प्रभु जी नवदीप जी नवदीप हाँ हरे कृष्ण। हमारे जो नवदीप का जो यात्रा है 13 मार्च को महाप्रभु धाम में परिक्रमा लगता है, श्री शंकर जी ये पार्वती को ये बात कहते, बोले पार्वती पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है करोड़ों करोड़ों बार सारे तीर्थ में भ्रमण कर लो, लेकिन एक बार जो श्री महाप्रभु का धाम में परिक्रमा करने के लिए जाते हैं उससे अनंत करोड़ों गुण में ज्यादा पुण्य मिलता है। एक बार श्री नवद्वीप धाम में जाने का इतने महत्व है, ये शंकर जी पार्वती को कहते हैं। जैसे कृष्ण ने ब्रह्मा जी अपराध किया, इंद्र ने कृष्ण ने माफ नहीं किया, राम भी माफ नहीं किया, लेकिन महाप्रभु ने सबके अपराध को क्षमा कर दिया, बड़े से बड़े पापी उनके सर भी फोड़ दिए, बोले भैया कोई बात नहीं मेरे सर तुमने फोड़ दिया, एक बार ठाकुर का नाम मतलब इतने दयालु, बोले क्यों, वो राधा जी की भाव अंगता से लेकर कृष्ण आए, वो धाम भी बड़े दयालु है, वो धाम में जाने पर सारे पाप हमारे नष्ट हो जाती है, इसलिए बड़ा पुण्य है। इसलिए जो व्यक्ति नवद्वीप धाम में जाना चाहते हैं अगर पहले टिकट बना दोगे ना फिर तो कम पैसा में टिकट बन जाती है, और कोई प्लेन में जाते हैं कभी ट्रेन और प्लेन का टिकट एक हो जाता है, प्लेन का मंदा हो जाता है, कभी कभी प्लेन का जो टिकट का मंदा हो जाता है, एक दिन ऐसे आता है जो टिकट कुछ दिन के लिए वो बहुत कम पैसा में मिल जाती है, बहुत कम पैसा में, बल्कि ट्रेन से कम पैसा प्लेन में मिल जाती है। अगर आप लोगों ने हमारे श्री राहुल प्रभु राधा रमन प्रभु को अगर आप नाम दे दोगे पहले आपकी वो टिकट बना देंगे आने जाने का, वो ट्रेन से भी कम पैसा में आपकी एक दिन में नवद्वीप में पहुंच जाओगे और एक दिन में वापस आ जाओगे। और जो व्यक्ति गंगा सागर जाना चाहता है, कहते ना सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, वहाँ पर गंगा सागर मिले, और वहाँ पर पंच तीर्थ है त्रिवेणी है सब कुछ वहीं पर है, एक साथ में गंगा जमुना दो नदी
एक साथ में वहाँ प्रभावित होती हूँ वहाँ पर, इसलिए जो जाना इनको देखना और जो जगन्नाथ पूरी रथ यात्रा जाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हर साल रथ यात्रा करते हैं, लेकिन मूल रूप में जहाँ रथ यात्रा आई श्री जगन्नाथ की, हमारे श्री श्रीकांत प्रभु जी ये नवद्वीप जाएंगे, ये श्री जगन्नाथपुरी जाएंगे, जिसको इच्छा है जगन्नाथपुरी जाने का अगर इनको नाम दे दोगे पहले, अभी ट्रेन में अभी बहुत सारी ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही, एक दो ट्रेन में कई टिकट मिल रही है, अगर जल्दी दे दोगे तो फिर जल्दी जल्दी ट्रेन का टिकट भी ये आपको बना करके दे देंगे, और अभी प्रभु जी को जो अनाउंसमेंट करेंगे उसके बाद में रुक्मिणी की शादी होगी, फिर हम होली खेलेंगे, ठीक है होली। और उसको और देखो मुझे लगता है मेरे को कहीं यूरोप जाने का था, मैंने अपना वीजा को अप्लाई किया, मेरे को पता नहीं वीजा अगर जल्दी मिल जाएगी तो फिर मैं 20 तारीख में जाऊँगा, अगर थोड़ी लेट होगा तो यहाँ पर 4-5 दिन में रुक सकता हूँ7 बजे तक शाम को 6 से 7 तक कथा होगी और उसको बाद में फिर भगवान की आरती, और आपको 3 दिन रहते रहते ठाकुर जी का आर्थ दर्शन करते हुए आप वापस जा सकते हो, इसलिए आप कोशिश करना शाम को 6 से 7 बजे तक आना, अभी हम 4-5 दिन तक रहेंगे कल से, इसलिए कथा जितना दूर हो सकता है हम कोशिश करेंगे भगवान की कथा सुनने के लिए, ठीक है इसलिए कल भी आना, ऐसे नहीं यहाँ रोज रोज प्रसाद में कथा आ जाते हैं, कथा की प्रसाद सबसे बड़ा प्रसाद है, इसलिए जो हम देखेंगे कौन पक्के और कौन कच्चे, जो कल आएगा ना अब तो देखेगा वो पक्के हैं, और जो नहीं आएगा तो समझेगा हम ये कच्चे हैं, इनकी भक्ति में इतने अभी पक्की नहीं, इच्छा नहीं, ठीक है। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। ओम ज्ञान देवेन्द्रस्य ज्ञानंजन शलाके नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने नारायण दसोदिना सततम अपने दुदेवृत्तिलीलाभविष्टौ विष्णुपादस्तुतश श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि अर्पण करता हूँ, तत्पश्चात भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि अर्पण करता हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे हरि नाम लेने के लिए, जिसकी इच्छा हो हरिनाम लेने के लिए अब कल सवेरे 7 बजे आ सकते हो, 8 बजे आ सकते हो, और जो लोग ने पहले हरिनाम लिए हो अभी तक गोपाल मंत्र नहीं लिए, जब तक गोपाल मंत्र नहीं लेते ना तब तक वो पूरी नहीं होता है मंत्र, और इसी मंत्र से भगवान को भोग लगाया जाता है, ये मंत्र भगवान कृष्ण ब्रह्मा करते करते ये 70 दिन से ये मंत्र अभी तक आया, जिनको जो लोग पहले हरिनाम लिए हो अब लोग कल आकर गोपाल मंत्र भी ले सकते हो, जिसको हरिनाम लेना वो आगे वृंदावन से आए समस्त भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, और उपस्थित सभी गुणवत्त भक्त वृंद के चरणों में दास का यथायोग्य प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिवस अर्थात विराम दिवस है, और आप सबके सहयोग से और सुंदर तरीके से जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी वैसी उससे भी उत्तम कथा हुई है, आप लोगों ने हर प्रकार से तन मन धन से यह सहयोग किया, इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, आप सबके लिए जोरदार तालियां। हरि बोल। हमारे गौड़िया मठ में आप सबका स्वागत है, और महाराज जी के आने से पहले से एकादशी से प्रभात फेरियां चल रही हैं, आज तक प्रभात फेरी चली, और ये क्रम टूटे ना, इसको आगे भी बढ़ाया जाए, रोज रोज तो नहीं हो पाएगा लेकिन हम चाह रहे हैं इसको महीने में 4 या 8 दिन जरूर करें, जैसे इतवारों में आप लोग खाली रहते हो तो सुबह मंगल आरती में आप सबका स्वागत है, आप आइए और सुबह 5 बजे यहाँ मंगल आरती करें, मंगल आरती के
बाद यहाँ से हम सब प्रभात फेरी के लिए चलते हैं और उसमें हरिनाम संकीर्तन करते हुए चलते हैं। उसका उद्देश्य एकमात्र यही है जिससे सब लोग, क्योंकि बड़ौत जो है बड़ा ही धर्म प्रेमी लोगों का है और इसमें सारे के सारे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, सबको भक्ति से जुड़ा जा सके, ये उद्देश्य है महाराष्ट्र का, जिसमें आप सब सबको सहयोग करना चाहिए। ज्यादातर लोग आप गुरुदेव के शिष्य हैं, तो शिष्य बनने के बाद भक्ति को सुचारू रूप से चलाने के लिए कलयुग के अंदर सबसे सुंदर तरीका यह है कि हम दूसरे व्यक्ति को भी भक्ति में जोड़े, तो हमारी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती। और यदि हम सोचें कि मैंने हरिनाम ले लिया, दीक्षा ले ली, कमरा बंद करके मैं बैठकर भजन करूंगा, घर से निकलूंगा नहीं, तो उसमें भजन नहीं होगा। मन बहुत कपटी है, कहां से कहां ले जाएगा, बैठेंगे भजन को और याद सारी चीजें आएंगी जो हमें याद में नहीं आती, वो भजन के समय आती, धीरे धीरे भजन जो है कम होता चला जाता है। तो साधु संग के बिना हम भजन नहीं कर सकते और धीरे धीरे हमारे हृदय में साधुता आती है, जिससे सामूहिक तौर से जब हम संकीर्तन करते हैं तो हमारे हृदय का मार्जन होता है। साधु संग सर्वशास्त्र कहिए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, मतलब साधु संग सारे शास्त्र कह रहे हैं और लव मात्र मतलब बहुत कम समय के लिए भी अगर शुद्ध साधु का संग कर लिया, भले ही वो साधु पर प्रवचन नहीं दे रहे हैं, भले ही वो साधु आपको कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं, मात्र दर्शन दे रहे हैं, उसी से इतनी ऊर्जा आ जाती है कि सर्व सिद्धि मतलब समस्त प्रकार की सिद्धियों को वो प्रदान कर देते हैं। और सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है राधा कृष्ण का प्रेम, वह भी हमें प्रदान कर देते हैं। तो वह होगा कैसे, वो हरिनाम संकीर्तन से होगा। वेदों का सार है श्रीमद भागवत और श्रीमद भागवत का खुद ही सार है, इसका भी सार है हरिनाम संकीर्तन। और हरिनाम संकीर्तन का मतलब है समस्त साधुओं के साथ, समस्त वैष्णवों के साथ एकत्रित होकर जो संकीर्तन किया जाता है उसे संकीर्तन कहते हैं। एक रास रचा भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ और एक रास किया चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के साथ। रास का मतलब होता है रस को जब सामूहिक तौर से आदान प्रदान किया जाए, रस का बहुत बड़ी मात्रा में आदान प्रदान होना, इसको रास कहा गया। तो वही हरिनाम संकीर्तन में रास में जो आनंद गोपियों ने लिया श्री कृष्ण लीला में, वही चैतन्य महाप्रभु ने जो अपने पार्षदों को प्रदान किया, वही रास का आनंद हमें हरिनाम संकीर्तन में, प्रभात फेरी में, मठ में और घर घर के प्रोग्रामों में आएगा। हरिनाम संकीर्तन की जय। सचिदानंद गौर हरि की जय। जय जय श्री राधे। देखो प्रभु जो बात बता रहे ना, कितना अच्छी बात बता रहे। कलयुग में रास से ही भगवान का कीर्तन एक कथा है। जैसे आप यहाँ से समझो दो तीन घटा से बैठे हुए, हम संसार में दुखी है, तन से, मन से, धन से, परिवार से, लेकिन अभी कोई आपका घर का कोई दुख कष्ट याद है, कोई याद है नहीं, सारे दुख कष्ट को भूल कर बैठे हुए। केवल आप गेट से बाहर निकलो, सारे दुख पहाड़ जैसे सरफराज में बैठेगा। घर में जाने पर ये होगा, घर में ये दिक्कत, बहू को साथ में लड़ाई, सास के साथ में लड़ाई, पति को साथ में लड़ाई, बेटा बात नहीं सुनता, गुरु लड़ाई कर रहे, केवल गेट से बाहर निकलो ना, सारे दुख आकर सर पर बैठेगा। लेकिन जब तक कीर्तन करोगे, कथा को बैठोगे, कोई दुख अगर तक तुम्हें सता नहीं सकती। इसलिए कलयुग में कीर्तन जो कथा है ना, यही रास, रास मतलब रस, रास मतलब आनंद है, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य ये बनता है कि अपनी भक्ति को सुरक्षित करते हुए दूसरे लोगों को भी, जो आप भक्ति के अंदर शायद थोड़ा ही आनंद ले रहे हैं, वह दूसरों को भी बताना शुरू करें, उनको भी भक्ति में लगाएं, तो आप जो है गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। यही नहीं, जब गुरुदेव आ रहे हैं 6 महीने में, तो गुरुदेव के सामने गुरु जी करके खूब चाटुकारिता कर दी, ये सेवा नहीं है।
वो अगर आप निंदे प्रति, ये जो है गुरु का द्वार है, गुरु का मंदिर है और गुरु का घर है और भगवान का धाम है, ये गुरु जी ने जो बनाया इस मंदिर में, यदि आप नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 6-6 महीने में आ रहे हैं, तो उसका मतलब आप गुरु सेवा से वंचित हैं। और भक्ति को अगर पर्यायवाची देखें, भक्ति का दूसरा अर्थ देखें तो वो सेवा ही है। यदि हम सेवा से अपने आप को वंचित रखते हैं तो भक्ति नहीं कर रहे। इसीलिए हमने बहुत विचार किया कि सब लोगों को कैसे भक्ति में जोड़ा जाए। समस्त बड़ौत वासियों से निवेदन है, कर्म धोकर के जितने भी श्रद्धालु जन आपसे मिलते हैं, संपर्क में आते हैं, उन्हें हरिनाम श्रवण कराएं, हरिनाम संकीर्तन कराएं, हरि कथाएं श्रवण कराएं, तो उससे आपकी गुरु सेवा होती है। गुरु सेवा सबसे बड़ा यही है कि आप भगवान के नाम को, भगवान के यश को दूसरे तक पहुंचाएं, ये सबसे बड़ा गुरु सेवा है। सबसे ज्यादा प्रसन्न गुरुदेव तभी होते हैं जब उसका शिष्य अन्य लोगों को भी हरि भक्ति में लगाता है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि किसी तरीके से पूरे बड़ौत को हम हरिनाम से जोड़े, हर मोहल्ले से 2-2 व्यक्ति ले और उनको ये एक तरीके से जिम्मेदारी दें कि वह अपने मोहल्ले के लोगों को हरिनाम से जोड़ें और भक्ति से लगाएं, गुरुदेव से संपर्क में लाकर उनका दर्शन कराएं और उनसे दीक्षा प्रदान करने का दायित्व लें। इसमें आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर गुरुदेव की सेवा करनी है तो हरिनाम का प्रचार सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ी सेवा है। इसके लिए आप संकोच मत कीजिएगा। आज हम जिन जिनके नाम ले रहे वो तो है ही, लेकिन ये सनातन धर्म के अनुसार ये सेवा भी सनातन है। आगे आने वाले समय में भी आप सेवा ले सकते हैं। तो अभी मैं इन लोगों का नाम ले रहा हूं जो इस सेवा से अपने को जोड़ेंगे और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ इस सेवा को आजीवन निभाएंगे। देखिए कई प्रकार की छोटी छोटी सेवाएं हैं, उसमें है मंदिर मार्जन सेवा, मंदिर को साफ सुथरा धोना, झाड़ू बुहार इत्यादि। इसमें हमारे हमारे तिवारी प्रभु जी इतने जोरदार तालियां, महाराज जी से आशीर्वाद है और महाराज जी अपने हाथ से लिखा हुआ सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का बड़ा पुण्य है। देखो आपके लिए छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। कोई एक राजा था, वो रोज जा करके भगवान विष्णु मंदिर में रोज पोछा लगाता था। एक समय कुछ लोगों ने प्रश्न किया, भैया तू देश का राजा हो, ये मंदिर में तू पोछा क्यों लगाते हो? देखो राजा क्या कहता है, बोले मेरे को पूर्व जन्म की बात याद है। बोले क्या है? बोले पूर्व जन्म में मैं दुष्ट बदमाश था। एक समय एक वेश्या को लेकर के गलत काम करने के लिए जंगल में ले गए और मेरे को पता नहीं था कि भगवान विष्णु का मंदिर। हमने देखा वो मंदिर में कुछ गंदा पड़ा हुआ, अपना कपड़े से उसको साफ किया और गलत काम किया, लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु, मेरे गंदी चीज को नहीं देखा। मैंने जो भगवान विष्णु का मंदिर मैंने परिष्कार किया, भगवान इसी जीवन में मेरे को राजा बना दिया, मेरे को पूर्व जन्म की बात याद है। अगर गंदे काम के लिए भगवान के मंदिर में अगर झाड़ू लगा कर कितना पुण्य है, अगर मैं भक्ति से भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा तो फिर क्या नहीं पुण्य मिलेगा। लगाएगा तो झाड़ू मंदिर में, लेकिन झाड़ू कहाँ लग जाएगा? आपकी झील में झाड़ू लग जाएगी, अब हृदय साफ हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु स्वयं भक्तों को लेकर के भगवान विष्णु मंदिर को साफ करते थे। इसलिए भगवान के मंदिर में सेवा की बड़ी महत्व है। इसलिए जो लोग सेवा की दायित्व ले रहे हैं बहुत अच्छी चीज है, भगवान की सेवा में बड़ा पुण्य मिलता है। श्री मिथिलेश तिवारी जी को के लिए जोरदार तालियां। हरि बोल। भोग सेवा के लिए श्री सुनील वर्मा जी। क्या साहब भोग सेवा
ठाकुर जी की भोग के लिए व्यवस्था करेंगे। ये डेली आते हैं, उनके जोरदार तालियां, हरी बोल। भगवान कहते ना दुर्योधन की बेबात के आगे भगवान विदुर जी घर में सात साल बिताए और उनको भगवान की हर सेवा की बड़ी महत्ता है। मंदिर साज सज्जा सेवा है, श्री सुमित माहेश्वरी जी जोरदार तालियां, हरी बोल। ये ठाकुर की साज सज्जा जन सेवा है, मंदिर की साज सज्जा बहुत अच्छी बात है। मंदिर के तो साज सज्जा करेंगे लेकिन अपना हृदय ही सज्जाएगा। मंदिर में बिजली सेवा राधा रमण दास, राहुल प्रभु कहाँ गए? अरे बिजली बोला, कुआ थोड़ी बोला। एक लिए भी जोरदार तालियां, हरी बोल। दान मंथली कलेक्शन सेवा, जो सेवा आती है महीने में आप सब के सहयोग से ये मंदिर बहुत सुंदर सेवा हो रही है। कोई 500 रुपए देता है, कोई 1000 रुपए देता है महीने में, कोई ज्यादा भी देता है और जो कम भी देना चाहते हैं कम भी दे सकते हैं। हर महीने कुछ ना कुछ दान स्वरूप देना चाहिए, इससे क्या है हमारा तन मन धन तीनों ही शुद्ध होते हैं। इसके सेवक है श्री प्रमोद जी। आप लोगों की हर महीना में एक भी रुपया क्यों नहीं हो? सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? एक दो बड़ी चीवा दिया ना, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए। आपके पास एक ही रुपया क्यों नहीं हो? लेकिन भगवान के लिए थोड़ी सी निकाल होनी चाहिए, ठाकुर जी के लिए। अब जो अपना मन में इच्छा है, अगर आप इनको नाम दे सकते हैं इनको, ये जा करके आपसे कलेक्शन कर सकते हैं। मैं यहीं पर दे जाती हूँ, यहीं पर दे जाते हैं, घर जाकर ले सकते हैं, घर से जाकर लेते हो। इसलिए आप यहाँ भी दे सकते हो और ये आपका घर में जाकर भी ला सकते हैं। अगर आप उनका अपना नाम दे सकते हो, जो इच्छा आपके मन में हो। गोलक सेवा, हमने प्रयास करके पूरे ब्लॉक में अच्छी अच्छी मंदिर अच्छे अच्छे दुकानों के आगे गोलक लगाई हुई है, उसको हर 15 दिन या महीने में जाकर के खोलना, उसे सफाई करना इत्यादि सेवा है। उसमें जो सेवक हैं वो श्री सुरेंद्र मित्तल जी आ जाए और श्री बलराम दास जी, इतने जोरदार तालियां, हरी बोल। रसोई ठाकुर रानी की, रसोई राधा रानी की रसोई, सामान सेवा, जो उसके सामान को व्यवस्थित तरीके से रखेंगे वो है हमारे सिंगल प्रभु जी, उनके लिए जोरदार तालियां, हरी बोल। जल्दी जल्दी आइए, बहुत लंबी लिस्ट है। उसके बाद है कोश सेवा, हमारा जो भी कोश है उसको ठीक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से रखेंगे हमारे राधा रमण जी, सक्सेना प्रभु जी कृपा करके आ जाएं, उनके जोरदार तालियां, हरी बोल। खड़े हो जाइए, आशीर्वाद प्राप्त करें महाराज श्री से। रसोई में रख रखाव के
अलावा रसोई भी तैयार कर सकते हैं। कुछ माताएं और बहनों के भी नाम हैं जिसमें श्रीमती रेवती दीदी, इनके जोरदार तालियां, हरी बोल। श्रीमती लता दीदी, इनके भी जोरदार तालियां, हरी बोल। श्रीमती निर्मल देवी, श्रीमती शिवानी दीदी, शिवानी दीदी, अगर और भी कोई सेवा करना चाहते हो अगर आप अपना नाम दे सकते हो फिर बाद में आपका नाम क्षेत्र प्रचार सेवा, इसमें श्री आजाद वर्मा जी आए और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए जोरदार तालियां, हरी बोल। Yeah, but I don't know.